हेलो बच्चों कैसे हो सब फिज़िक्स पंच की सीरीज़ में आपका मोस्ट वेलकम तो आज हम इस सीरीज़ में नंबर सेवनटीन जिसके अंदर रे ऑप्टिक्स को कवर किया है उसको डिस्कस करेंगे जो स्टूडेंट मेडिकल या जेई मेंस की प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है तो इस चैप्टर को हमने पूरा कंप्लीटली पूरे कॉन्सेप्ट सारे डिस्कस किए हैं ठीक है थीके? तो चलिए शुरू करते हैं तो क्वेश्चन नंबर वन है ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ प्रोड्यूसेस एन इमेज वन बाई पी ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये तो पहली चीज तो ये है कि अगर आप रे ऑप्टिक्स के कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो बेसिक जो फॉर्मूलाज हैं आपको वो सारे आपको आने चाहिए ठीक है थीके? जैसे मिरर uh, फॉर्मूला है वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ मैग्नीफिकेशन के लिए माइनस वी बाई यू होता है अगर आप लेंस का कोई क्वेश्चन कर रहे हो ठीक है इमेज फॉर्मेशन के लिए तो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज़ इक्वल टू वन अपॉन एफ़ और मैग्नीफिकेशन के लिए एम इज इक्वल टू वी बाई यू फॉर्मूला अपन यूज़ करते हैं उसके अलावा बेसिक ये आ, जो भी आप फॉर्मूलाज अप्लाई करोगे तो आपको साइन कन्वेंशन अच्छे से लगाना आना चाहिए ठीक है और साइन कन्वेंशन के बेसिक रूल्स आपको मालूम होने चाहिए जो भी आप डिस्टेंस मेजर करते हो ठीक है वो हमेशा या तो पोल या ऑप्टिकल सेंटर मतलब जहाँ से ऑप्टिकल इवेंट होता है ठीक है चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो वहीं से ही हमें डिस्टेंस मेजर करनी होती है फर्स्ट थिंग ये है सेकंड थिंग इंसिडेंट रे के अलोंग अगर डिस्टेंस मेजर करते हो तो वो कंसीडर करते हैं हम पॉजिटिव इंसिडेंट रे के अपोजिट उसको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं प्रिंसिपलैक्सिस के ऊपर पॉजिटिव प्रिंसिपलैक्सेस से बिलो नेगेटिव तो ये बेसिक से कुछ रूल्स हैं इनका ध्यान रखना होता है मिरर से जब भी इमेज फॉर्मेशन करते हैं हम मतलब रिफ्लेक्शन के केस में जब भी इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो अगर v की वैल्यू मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज पॉजिटिव आता है ठीक है इसका मतलब मिरर के बिहाइंड इमेज फॉर्म होती है वो इमेज हमेशा वर्चुअल होगी नेगेटिव आता है तो इमेज हमेशा रियल बनेगी इसका मतलब v की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो हाथों हाथ आपको समझ जाना है कि इमेज वर्चुअल है v नेगेटिव है तो इमेज रियल है और अगर यही केस अगर लेंस या रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर सर्फेस से हो तो रिफ्रैक्शन के केस में लाइट रे जो है वो दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट होती है तो उस केस में अगर वी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो उस केस में इमेज रियल बनती है तो वी अगर पॉजिटिव है रिफ्रैक्शन केस में तो इमेज रियल है वी अगर नेगेटिव है तो इमेज वर्चुअल होगी ठीक है ये बेसिक सी चीज़ें हैं उसके अलावा स्नेल स्लो पर बेस्ड क्वेश्चन भी फ्रेम हो जाते हैं ठीक है स्नेल स्लो वाला पार्ट बड़ा सिंपल सा है म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर नेक्स्ट थिंग प्रिज्म है प्रिज्म पर भी वही सेम रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट अप्लाई किए गए हैं जिनके अंदर बेसिक अगर हम बात करें तो एंगल ऑफ डेविएशन है डेल्टा ई इज़ इक्वल टू तो आई प्लस ई माइनस ए और डेल्टा एंड आई के बीच में ग्राफ है ठीक है एंड मिनिमम डेविएशन वाला केस फेमस है वही एनसीईआरटी के अंदर गिवन है उसी पर ही मोस्टली क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं तो वो पार्ट हमें आना चाहिए अच्छे से उसके अलावा सक्सेसिव रिफ्रैक्शन या रिफ्लैक्शन अगर हो ठीक है जैसे लेंसेज अगर गिवन हो अपन को लेंस के बाद में मिरर गिवन है और फाइनल इमेज के लिए हमसे कहे कि फाइनल इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी ठीक है तो सक्सेसिव रिफ्रैक्शन या रिफ्लैक्शन के अंदर पहली बात तो ये है कि लाइट रे के साथ साथ आपको चलना है उसको फॉलो करना है लाइट रे के साथ अगर रिफ्रैक्शन होता है ठीक है तो रिफ़्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगाना है अगर वो लेंस है तो लेंस वाला फार्मूला लगा दीजिए अगर वो रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर सर्फेस है तो कर सर्फेस वाला फॉर्मूला लगा दीजिए ठीक है देन फिर लाइट रे आगे जाएगी हो सकता है किसी लेंस से वापस रिफ्रैक्ट हो या हो सकता है मीर से रिफ्रैक्ट हो रिफ्लैक्ट हो तो उसके अकॉर्डिंग जो भी फॉर्मूला वो आपको अप्लाई करना है ठीक है तो बेसिक चीज़ें हैं कि सक्सेसिव रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन हो तो लाइट रे को फॉलो करते जाना है उसके साथ जो भी हो रहा है चाहे रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो रहा है ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाना है और मान लीजिए कि पहला जो ऑप्टिकल इवेंट हुआ वो रिफ्रैक्शन था एंड सेकेंड रिफ्लैक्शन था तो सेकेंड जो ऑप्टिकल इवेंट है उसके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो फर्स्ट ऑप्टिकल इवेंट का इमेज होगा राइट तो सेकेंड ऑप्टिकल इवेंट के लिए ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑप्टिकल इवेंट का इमेज ही होगा करेक्ट और नेट मैग्निफिकेशन अगर आपको देखना है तो नेट मैग्फिकेशन होता है एम इज इक्वल टू एम वन इंटू एम टू इंटू एम थ्री राइट इस तरीके से मैग्निफिकेशन हम टोटल मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं राइट right? तो चलिए क्वेश्चन को साथ साथ अपन डिस्कस करते हैं और बेसिक जो भी फॉर्मूलाज उनको भी कवर करेंगे और चैप्टर भी हमारा कवर हो जाएगा पूरा तो फर्स्ट क्वेश्चन है कॉन्वेक्स मिरर जो कि हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं तो कॉन्वैक्स मिरर है फोकल लेंथ एफ आपको गिवन है यहाँ पर और जो मैग्नीफिकेशन है देखिए यहाँ पे मैग्नीफिकेशन आपको दे रखा है वन बाई पी है ना साइज़ का रेशियो एक्चुअल में देखा जाए तो मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू वन बाई पी के इक्वल है और ये मिरर है तो मिरर के लिए हमें मालूम होना चाहिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला माइनस वी बायू होता है करेक्ट और हमें ये पूछा है कि ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस कितनी है कॉन्वैक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कॉन्के मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है ठीक है साइन कन्वेंशन जब अपन अप्लाई करते हैं तो अगर मैं मिरर फॉर्मूला लगाऊं वन अपॉइन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्ल टू वन अपॉइन एफ तो यहां से आप यू की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि यू क्या है यहाँ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर है ठीक है तो ये कॉन्वेक्स मिरर है यहाँ पर और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है करेक्ट तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो यू है और यू हमें फाइंड आउट करनी है लेकिन विद साइन अगर हम रखें यहां पर तो यू यहां पे नेगेटिव हो जाएगा तो यहां पर माइनस का यू विद साइन और यहां पर भी माइनस का यू ठीक है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो वी की वैल्यू एम इंटू यू आ गई और ये एम इंटू यू में यहाँ रख सकता हूं वी की जगह क्योंकि विद साइन वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो वन अपोन वी की वैल्यू आ गई एम इंटू यू और ये माइनस वन अपोन u की जो वैल्यू है वो u के इक्वल ही है बराबर वन अपॉन एफ ठीक है एंड मैग्निफिकेशन जो है वन बाई पी है तो ये वन बाई पी इसको सेटल करें अपन तो p ऊपर चला जाएगा p बाई यू माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ और यहां से आपको u की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी डिस्टेंस पूछी थी सिंपल डिस्टेंस कितनी है ऑब्जेक्ट की अ, मिरर से सो so, u इज इक्वल टू यू इस तरफ आ जाएगा f से उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए f ब्रैकेट में आ जाएगा p माइनस वन ठीक तो तो है तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज पी माइनस वन इंटू एफ बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था ये और इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले फॉर कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ एफ इज कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ एफ जो है वो क्या होगी ओके नेगेटिव फॉर रियल ऑब्जेक्ट नेगेटिव फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट नेगेटिव ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज

कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ ऑब्वियसली क्या रखेंगे अपन नेगेटिव क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से इसने दे रखा है कि ऑब्जेक्ट रियल है तो नेगेटिव रखना है वर्चुअल है तो पॉजिटिव रखना है ऐसा जो भी ऐसा कुछ नहीं है एक ही साइन कन्वेंशन अपन लगाते हैं बेटा और हमें मालूम है फोकल लेंथ हम क्या रखेंगे नेगेटिव ठीक है क्योंकि कॉनकेव मिरर के लिए अगर आप देखें तो फोकस फ्रंट में यहां पर होता है कहीं ये फोकस है और जो भी लाइट रेज आएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरफ जाएंगी है ना पैरल लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट से पास होगी तो इंसिडेंट रे के अपोजिट जाना पड़ रहा है अपन को है ना और डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर करेंगे तो अपोजिट जा रहे हैं इसका मतलब फोकल जाएगी इसकी ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन इसका थर्ड आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में चले आइए अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन विच ग्राफ बेस्ट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ द इंसिडेंट एंड देंगल ऑफ रिफ्लेक्शन

ऑरिजन से पास भी होगी वाई बराबर तो से पास भी होगी और स्ट्रेट लाइन होगी तो यहां पर आपको फोर हैं। तो बहुत आप पता लगा सकते हो कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा तो इसका हो जाएगा, लाइन ऑरिजन से पास होनी चाहिए तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑल ऑफ आर करेक्ट एक्सेप्ट ओके okay? तो इसमें से बताना है कि आ, कौन सा इसमें फोल्स है फोल्स स्टेटमेंट कौन सा है वो हमें एक्सप्लेन करना है फर्स्ट देखिए द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्वेक्स मीर इज ऑलवेज लेस देन वन कॉन्वेक्स मीर में अगर आपने बेसिक पार्ट पढ़ा हो तो हम ये जानते हैं अच्छे से कि कॉन्वेक्स मीर के सामने अगर रियल ऑब्जेक्ट होता है ठीक है, तो उसकी इमेज हमेशा वर्चुअल बनती है ठीक है और साइज में छोटी भी होती है स्मॉल साइज होती है राइट सो मैग्निफिकेशन इज लेस देन बट बट इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ रियल रियल ऑब्जेक्ट केस में ऐसा होता है लेकिन और वर्चुअल अगर ऑब्जेक्ट हो मतलब लाइट रेज इस मिरर पर कुछ इस वे से इंसिडेंट हो रही है तो कन्वर्जिंग पॉइंट जो है वो बिहाइंड मिरर है अगर देन

बाकी देखते हैं तीन ऑप्शन को और देखते हैं ए वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज इमेज कैन बी ऑप्टेंड यूजिंग ए प्लेन मिरर तो वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज इमेज कैन बी ऑप्टेंड यूजिंग ए प्लेन मिरर यस प्लेन मिरर से अगर आप आ, आपको इमेज फाइंड करनी है वर्चुअल तो डेफिनेटली वर्चुअल इमेज बनती है क्योंकि प्लेन मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट रियल होता तो सेम साइज की इमेज बनती है है ना वर्चुअल होती है वो ठीक है और इरेक्ट भी होती है तो सेकंड करेक्ट है मतलब ट्रू है स्टेटमेंट थर्ड देखिए

फोर्थ क्या कह रहा है रियल इन्वर्टेड सेम साइज इमेज कैन बी फॉर्म यूजिंग ए कॉनकेव मिरर यस ऑब्वियसली कॉनकेव मिरर में अगर आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस कर देते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म होती है इन्वर्टेड होती है सेम साइज्ड होती है है ना और रियल फॉर्म होती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ यहां पे है ये मिरर है यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है ठीक है और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस करते हैं तो लाइट रे देखो ऐसे इंसिडेंट हुई मिरर पर फोकस यहाँ पर फोकस से पास होगी एंड एक लाइट रे अगर मैं इस पोल पे इंसिडेंट करूँ तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ यहाँ से जाएगी और इमेज यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म होती है इन्वर्टेड होती है सेम साइज होती है और रियल होती है क्लियर इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी इसका ट्रू है हमसे फोल्स पूछा था तो फोल्स इसका वन हो जाएगा है ना तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है ऑलवेज है ना ना ऐसा कोई जरूरी नहीं है 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 से से भी भी जो जो वो वो की जा सकती हो सकता ठीक है ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलाए टू प्लेन मिरर्स ए एंड बी आर अलाइन पैरेलल टू इच अदर फिगर ए लाइट रेज इंसिडेंट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट ए पॉइंट जस्ट इनसाइड वन एंड ऑफ ए The plane of incidence coincides with the plane of the figure. The maximum number of the times the ray undergoes reflections, including the first one, before it emerges out is. तो बहुत ही सिंपल सा ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है। आपको दो पैरालल प्लेन मिरर्स दिए हैं। This length is two root three, this gap is 0.2 meter, and uh, light ray is incident on mirror A at an angle 30 degree from normal। ठीक है, तो यहां से ये लाइट ray reflect होगी, इधर जाएगी। ठीक है फिर देन यहां से रिफ्लेक्शन होगा वापस इधर जाएगी तो इस टाइप से ये लगातार रिफ्लेक्शन चलते रहेंगे हमसे हम यही पूछा है इसमें कि ये कितनी बार रिफ्लेक्ट होगी ठीक है तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप देखिए अगर आप इस वाले रिफ्लेक्शन को काउंट ना करें और यहां से इस रिफ्लेक्शन वाले पॉइंट से जस्ट इधर की तरफ बात करें और इस डिस्टेंस की बात करें यहां से आ तो इस डिस्टेंस में हमें मालूम है केवल एक रिफ्लेक्शन हुआ है यहां से भिड़ा एक रिफ्लेक्शन हो गया फिर लाइट लाइटर इधर गई फिर इस वाले वृथ के अंदर अगेन ये वाला रिफ्लेक्शन हो जाएगा एक और ठीक है तो हमें ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है यहां पर तो इस लेंथ में हम ये कह देंगे कि इस लेंथ के अंदर एक रिफ्लेक्शन हुआ है वन रिफ्लेक्शन तो ये वाला एंगल थर्टी है आपके पास ठीक है और ये लेंथ जो है आपके पास वो जीरो पॉइंट टू मीटर है ठीक है एंड दिस लेंथ ये वाली लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है यहाँ पे है ना तो ये लेंथ मैं एक्स कंसिडर कर लेता हूँ फ्रॉम दिस ट्रैंगल

और ये टोटल अगर आप लेंथ कंसीडर करो तो टू रूट थ्री है तो टू रूट थ्री में कितने रिफ्लेक्शन होंगे तो वो आप इजीली फाइंड कर सकते हो तो ये के अंदर अगेन एक, तो एक और रिफ्लेक्शन सिंपल काफी सिंपल है ये फाइव रूट थ्री ऊपर चला जाएगा तो फाइव इंटू टू टेन एंड टेन इंटू रूट थ्री एंड रूट थ्री थ्री हो जाएगा तो थर्टी तो नंबर ऑफ रिफ्लैक्शन कितने हो गए यहां पर थर्टी हो जाएंगे करेक्ट तो इस वे से अपन इसको डील कर सकते हैं अब ये अगर हम देखें कि लास्ट में जो रिफ्लेक्शन हुआ है उसको किस कैटेगरी में कंसीडर करें देखो इसने ये कहा है कि जो फर्स्ट वन वाला है उसको इंक्लूड करना आपको तो फर्स्ट वन वाला इंक्लूड करेंगे तो ये जो लाइट रे है ना जस्ट अंदर इंसिडेंट हो रही है जस्ट अंदर अगर ये वाली लाइट रे जस्ट अंदर इंसिडेंट होगी तो लास्ट वाली जो लाइट रे है वो जस्ट बाहर की तरफ बाहर की तरफ निकल जाएगी वो ठीक है ना उसका कोई भी जो है वो रिफ्लेक्शन नहीं होगा बात को समझ रहे हो आप तो उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा तो इस वाले को कंसीडर किया है ना हमने यहां पर ठीक है तो उसको एक्स्ट्रा में कंसीडर नहीं करना तो थर्टी वन नहीं करना है यहां पर तो आंसर क्या आ जाएगा यहां पर थर्टी आ जाएगा राइट ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले टाइम टेकन बाय लाइट टू क्रॉस ए ग्लास लैब ऑफ थिकनेस फोर एम एम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थ्री इज तो लाइट रे को एक ग्लास स्लैब जिसकी थिकनेस फोर एम mm एम है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर थ्री है तो उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा तो सीधी सी बात है टाइम आपको फाइंड फाइंड करना है तो माइंड में हाथों आता जाना चाहिए कि स्पीड का इसमें कोई ना कोई रिलेशन है और हमें अच्छे से मालूम है कि किसी मीडियम के अंदर जो डेंसर मीडियम है लाइट की स्पीड वी इज इक्वल टू सी बाई म्यू की इक्वल होती है तो लाइट की स्पीड v इज इक्वल टू सी बाई म्यू होती है और मान लीजिए इस स्लैब को लाइट को क्रॉस करके जाना है ठीक है स्पीड इस मीडियम में v के इक्वल है और इसकी जो थिकनेस है वो सपोज d है सो द टाइम टेकन बाय द लाइट टू क्रॉस दिस स्लैब इज t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड सिंपल डिस्टेंस इज d एंड स्पीड इज v एंड वी c बाई म्यू सो d अपॉन सी बायू सो द आंसर इज d न्यू बाई सी अब ये वैल्यू आपको रखनी है यहां पर

है ना सिंपल है लेकिन ऐसे नीट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनका प्रैक्टिस कीजिए आप अच्छे से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं वन कैन नॉट सी थ्रू फोग बिकॉज फोग में जनरली हमें दिखता नहीं है है ना <coughs> ऐसा क्यों होता है कारण क्या है मेन लॉजिक है इसका बहुत सिंपल है जैसे अगर आपने हिल स्टेशन पे विजिट किया हो तो वहां पे भी बादल से घूमते रहते हैं बादल में भी वही सेम फॉग की फीलिंग आती है तो उसमें भी नहीं दिखता अगर बहुत ज्यादा डेंस है तो मेन चीज है स्कैटरिंग इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो स्कैटरिंग ठीक है स्कैटरिंग का जो पार्ट है उसके अंदर एक पार्ट है रेले स्कैटरिंग रेले स्कैटरिंग जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए स्मॉल गैस मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल है और उसमें जो स्कैटरिंग इंटेंसिटी होती है लाइट की वो लैमडा की पावर फोर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मतलब ज़्यादा वेवलेंथ ठीक है तो ज़्यादा सॉरी कम स्कैटरिंग तो अगर विजिबल लाइट की बात करें तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है तो उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है वॉयलर का वेवलेंथ कम होता है उसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है वो ज़्यादा बिखरता है वो कलर लेकिन अगर गैस मॉलिक्यूल्स का साइज़ ज़्यादा हो बड़ा हो जैसे वोटर वेपर्स हैं ठीक है तो अगर उनका साइज बड़ा है तो वो ऑलमोस्ट सारे कलर्स को इक्वल इंटेंसिटी के साथ स्कैटर कर देते हैं सारे कलर को तो जैसे व्हाइट लाइट आ रही है किसी क्लाउड पर ठीक है तो वो सारे कलर्स को इक्वल इंटेंसिटी के साथ सब डायरेक्शन में स्कैटर कर देते हैं इज दैट क्लियर ऐसा तो फोग में भी ऐसा ही होता है क्लाउड में भी ऐसा ही होता है तो इसलिए वो सारे कलर को स्कैटर करता है इसलिए वो व्हाइट नजर आता है अपन को ठीक है वाइट लाइट अपन को नजर आती है वाइट कलर नज़र आता है तो ये चीज़ ज़रूर आप ध्यान रखें ठीक है तो इसलिए हम विजिबिलिटी जो होती है थोड़ी कम हो जाती है है ना मतलब एक तरीके से आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो स्कैटरिंग का मतलब यही है कि जो गैस मोलिक्यूल्स है ना वो तो छोटे छोटे टाइनी बल्ब की तरह बिहेव करते हैं तो और वो टाइनी बल्बस जो है छोट छोटे छोटे हैं उनसे रोशनी निकल रही है और वो हर तरफ स्कैटर कर रहे हैं हर तरफ फैला रहे हैं ठीक है थीके? उसके कारण क्या है उनके पीछे के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें दिख नहीं पाते क्लियर जैसे अगर यहाँ पर अगर कोई छोटा सा बल्ब है हमारे सामने ठीक है बहुत टाइनी बल्ब है तो उसके पीछे का जो बैकग्राउंड वाला जो पार्ट है वो नहीं दिखेगा अपन को कम दिखेगा है ना वही है स्कैटरिंग में एयर मॉलिक्यूल्स जो गैस मॉलिक्यूल्स है ना वो भी एक तरीके से एनर्जी के सोर्स हैं वो भी लाइट को स्कैटर कर रहे हैं फैला रहे हैं सब तरफ तो हमें पीछे वाले जो चीज़ें हैं वो थोड़ी कम दिखाई देती हैं राइट right? इसलिए ऐसा होता है तो आई थिंक आपको ये पार्ट कवर हो गया होगा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये थियोरटिकल क्वेश्चन है राइट तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके सामने ऑप्शन है तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बेटा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले ए लाइट इज इंसिडेंट एट द ग्लास द्लास इंटरफेस एट एन एंगल आई ओके इट इमर्जेस फाइनली पैरल टू द ऑफ द ऑफर ओके देन द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास म्यूजी वुड बी बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है और दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्नेल स्लो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो स्नेल स्लो का है बाकी क्रिटिकल एंगल तो इसमें कॉन्सेप्ट लगा ही लेंगे अपन वो दे रखा है अपन को देखिए यहां ग्लास है अगर आप ऑब्जर्व कर सको तो क्लियरली और यहां वोटर है तो एंगल आई के साथ ये रे आई और यहां पे एंगल आर के साथ ये लाइटरें रिफ्रैक्ट हो गई एंड देन फिर जब इस पॉइंट पर इंसीडेंट होगी तो ये दोनों एंगल इक्वल होनी चाहिए क्योंकि जेड फॉम हो रहा है अल्टरनेट एंगल है देन आफ्टर रिफ्क्शन फ्रॉम दिस सरफेस लाइट रे अमर्जेज आउट परपेंडिकुलरली टू द नॉर्मल राइट ग्रेजिंग एमर्जेंस है इस में. तो एंगल 90 से ये लाइट रे एमर्ज हो जाती है तो हमसे यही पूछा है कि म्यूजी जो है म्यूजी म्यूजी मतलब इंडेक्स ऑफ ग्लास ग्लास तो ये म्यूजी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो आप यहां पे स्नेल्स लो अप्लाई कर सकते हो तो स्नेल्स लो अगर मैं अप्लाई करूं तो बड़ा सिंपल सा है म्यूवन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर सो यर म्यूवन इज म्यूजी ठीक है इनटू में मे साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू राइट म्यू टू साइन आर म्यू टू इज म्यू डब्ल्यू म्यू डब्ल्यूज फोर बाई थ्री इन टू साइन आर यह कंडीशन आ गई राइट देन अब आप इस सरफेस के लिए इक्वेशन लगा सकते हो स्नेलो लगा सकते हो इसके लिए लगाऊ तो अगेन में क्या लिखूंगा म्यू डब्ल्यू राइट मतलब क्योंकि म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर तो म्यू डब्ल्यू म्यू डब्ल्यूज फोर बाई थ्री साइन आर है ना इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आर हो गया बराबर म्यू एयर म्यू एयर वन होता है इंटू साइन नाइंटी क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पे नाइनटी है तो साइन नाइनटी हो जाएगा ठीक है तो बड़ा सिंपल सा है अब ये देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है तो इसको इसके इक्वेट कर सकते हैं मतलब ये वाली वैल्यू जो है म्यू जी साइन आई वो डायरेक्टली वन टू साइन नाइनटी के बराबर आ गया सो साइन आई इंटू म्यू जी इज इक्वल टू साइन नाइन्टी वन सो म्यू जी इज इक्वल टू वन अपॉन साइन नाइनटी

अगेन वही चीज़ जो हमारा जो एटमोसफियर है इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं खूब सारे ठीक है टाइनी टाइनी मॉलिक्यूल्स हैं और अगर मोलिक्यूल्स का साइज़ काफ़ी स्मॉल होता है तो उस केस में रिले स्कैटरिंग के अकॉर्डिंग जो इंटेंसिटी है स्कैटर लाइट की प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन लैमडा की पावर फोर होता है ठीक है लैमडा वॉलेट का सबसे कम होता है ब्लू का भी कम ही होता है लेकिन ब्लू के लिए हमारी जो आई होती है वो सेंसिटिव होती है वॉलेट के कंपरेटिवली ठीक है तो आप ब्लू कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो तो ब्लू कलर के लिए इंटेंसिटी स्कैटर्ड जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है बेटा तो व्हाइट लाइट अगर एटमोस्फियर पे इंसिडेंट होती है तो उसमें जो वो टाइनी टाइनी बल्ब वो हो जाते हैं और उनसे जो कौन सी वाली लाइट ज्यादा फैलेगी कौन सी वाली लाइट ज्यादा इमिट होगी ब्लू लाइट इसलिए अपन को स्काई जो है पूरा पूरा नीला दिखाई देता है है ना बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है तो इसका मेन रीजन क्या है ब्लू लाइट इज स्कैट द मोस्ट यस तो सेकेंड ऑप्शन इसका यहां पर करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए प्रिज्म विद प्रिज्म एंगल ए इज एन इज इक्वल टू कोट ए बाय टू, आपको एक प्रिज्म के लिए जिसका प्रिज्म एंगल ए है का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन दे रखा है यहां पर और एन की वैल्यू कोट ए बाय 2 के बराबर है ध्यान से देखना कोट ए बाय 2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन विल बी हमें डेल्टा मिनिमम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहां पर है ना डेल्टा मिनिमम बहुत ही प्यारा सा कैसे बेटा और मोस्टली इसी पर ही क्वेश्चन ज्यादा जनरली फ्रेम होते हैं अगर आपको मिनिमम डेविएशन दे रखा हो एंगल ऑफ प्रिज्म भी दे रखा हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन जैसे यहां पर एन लिखा है म्यू भी लिख सकते हो आप बराबर साइन ब्रैकेट डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू बहुत ही प्यारा सा रिलेशन है ठीक है, sin. अगर आप पास मिनिम्म है मिनिम्म एंगल है, अगर आप पास है, तो यहां से आप कर सकते हो प्रिजम के मेटीरियल एन इज इक्वल टू कोट ए बाई टू सो एन की वैल्यू अपन कोट ए बाई टू यहां रख देंगे तो कोट ए बाई टू होता है बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू इसको मैंने अलग अलग किया है ऐसा क्योंकि यहां पर साइन ए बाई टू आ रहा है और यहां आ जाएगा साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू और अपॉन साइन ए बाई टू यह वाला पार्ट पार्टी कैंसिल आउट हो गया डायरेक्टली राइट अब थोड़ी मैथमेटिक्स आपको लगानी पड़ेगी है ना और इस मैथमेटिक्स को लगा करके हम डेल्टा मिनिमम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखो तो कोस ए बाई टू है और कोस को साइन में कन्वर्ट किया जा सकता है बड़ा आसानी से ठीक है को अगर मैं साइन में कन्वर्ट करूं तो किस वे से किस तरीके से इसको लिख सकता हूं साइन पाई बाई टू माइनस ए बाई टू आसानी से लिखा जा सकता है क्योंकि साइन नाइनटी माइनस सीटा क्या होता है कॉस सीटा होता है राइट तो इसको पाई बाई टू माइनस ए बाई टू लिखा जा सकता है और इस तरफ देखा जाए तो आपके पास है साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू तो इसमें एलसीएम ले, ले लेंगे पाई माइनस ए बाई टू है ये पूरा है ना तो इस वाले पार्ट में आप इसको केवल टू ही लिख दो तो बहुत साइड साइड अगर कंपैरिजन करें तो क्लियरली नजर आ रहा है कि दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए क्योंकि दोनों साइन हैं तो दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए तो यहां पर आप लिख सकते हो पाई माइनस ए बाई टू इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा देन फर्दर आप ए को इधर ले आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा सो डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू पाई माइनस टू ए तो डेल्टा मिनिमम की वैल्यू पाई माइनस टू ए के इक्वल एंड पाई इज वन डिग्री देन करेक्ट ऑप्शन जो है इसका बेटा अकॉर्डिंग टू तो ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा ठीक है तो काफी बेसिक्स है देखिए इसमें थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री भी यूज हो गई और बाकी आ, रे ऑप्टिक्स में जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है ठीक है प्रिज्म से रिलेटेड वो जो कि हमने अभी भी डिस्कस किया है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और ये फॉर्मूला काफी यूज़ होता है भाई ठीक है और इस पर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं मिनिमम डाइविशन वाले पार्ट के अंदर ठीक है तो चलिए आगे चलें ओके ए गिवन रे ऑफ लाइट सफर्स मिनिमम डेविएशन इन एन इक्वलेटर प्रिज्म पी प्रिज्म कैसा है इक्वलेटर दैट मींस ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री राइट मतलब सारे जो एंगल्स हैं वो 60 डिग्री के ही हैं ईच ऑफ एंगल इज 60 डिग्री एडिशनल प्रिज्म्स Q एंड R ऑफ आइडेंटिकल शेप एंड ऑफ द सेम मटेरियल P एज P आर नाउ एडेड एज शोन द फिगर द रे विल नाउ सफर अब इसमें ऑप्शंस पूछे हैं ग्रेटर डाइविएशन नो डाइविएशन सेम एज बिफोर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ओके बहुत सिंपल है देखिए आपके पास प्रिज्म पी है अब मिनिमम डाइविएशन के लिए हम अच्छे से जानते हैं कि लाइट रे यहां पर जिस एंगल से इंसिडेंट होगी सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे बेटा बेस के जस्ट पैरेलल जाएगी और फिर लाइट रे अमर्ज हो जाएगी यह है एंगल ऑफ एमरजेंस मिनिमम डाइविएशन के लिए दोनों एंगल बराबर होने चाहिए आई बराबर ये होता है और ये वाली जो रे है एकदम जस्ट पैरल जाएगी बेटा बेस के एकदम जस्ट पैरल क्योंकि आई और ई जनों बराबर होंगे तो आर वन और आर टू भी दोनों बराबर होंगे तो इस केस में एकदम सिमेट्री बनेगी और ये लाइट रे बेस के जस्ट पैरल पास होगी प्रिज्म के थ्रू ठीक है अब अगर इस प्रिज्म के साथ आप सेम मटेरियल का एक और प्रिज्म अटैच कर दो एक और प्रिज्म यहां अटैच कर दो अब क्या होने वाला देखिए ये लाइट रे यहां से गई सेम एंगल से आई से ये लाइट रे ऐसे जाएगी यहां तक तो ऐसे ही जाएगी सेम इसमें कोई इशू नहीं है उसके बाद में मेटीरियल सेम है मैटीरियल सेम है इसका मतलब कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा रिफ्रैक्शन कब होता है जब मीडियम चेंज होता है तो मीडियम तो चेंज ही नहीं हो रहा तो इसका मतलब लाइट सीधी जाएगी अगेन यहां पर भी मीडियम चेंज नहीं हो रहा लाइट सीधी जाएगी स्ट्रेट जाएगी तो देखो यहां तक आ चुकी है यहां तक आने वाला केस यही हुआ ना सेम इधर वाला राइट right साइड वाला जो पार्ट है सेम इसी टाइप से आई एंड देन फर्दर ये नॉर्मल से उसी एंगल से रिफ्रैक्ट हो जाएगी जैसे यहां पे हुई है तो इसका मतलब लाइट रे जो है वो अगेन सेम डेविएशन के साथ डेविएट होगी उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला ये दोनों एंगल बराबर होंगे जैसे इस इस केस में हुए, वैसे इस केस में में वैसे होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला यहां पर नहीं है क्लियर चलिए एन एयर बबल इन ग्लास इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव वेन व्यूड फ्रॉम वन साइड अपीयर्स टू बी at 6 cm and from opposite side 4 cm the thickness of the glass slab is ठीक है तो अब हम बात करें रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्शन में स्नैल्स लो खास है ठीक है वो चीज़ आपके माइंड में रखनी है हमेशा म्यूवन साइना रेयर से डेंसर में जाएगी तो टूअर्स तो द नॉर्मल एंड डेंसर टू तो रेयर दैन अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाती है ठीक है उसके अलावा अब इसमें जो रिफ्रैक्शन के अंदर जो नेक्स्ट पार्ट आता है जो जो हमें ध्यान रखना है वो है एपरंट डेप्थ एंड एपरेंट हाइट तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट को आप डेंसर मीडियम में रख देते हो और आप रेयरर मीडियम में हो है ना आपकी जो आई है या जो ऑब्जर्वर है वो रेयरर मीडियम है इस तरफ डेंसर मीडियम है रिफ्लेक्टिंग का म्यू है बाहर एयर है ठीक है और आपने यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया और आप इसको बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हो ठीक है तो अगर इसकी एक्चुअल डेफ्थ अगर एच है

ये डेंसर मीडियम ले रहे हो और ऑब्जेक्ट मान लीजिए रेर मीडियम में रखा हुआ है ठीक है वो बर्ड हो सकता है कुछ भी हो सकता है और उसकी हाइट जो है इस इंटरफेस से एच है और आप इस ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम से ऑब्जर्व कर रहे हो डेंसर मीडियम से इस ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो राइट right? तो आपको ये ऑब्जेक्ट आपकी आई यहां पे ऑब्जर्वर यहां पर है तो आपको ये यह ऑब्जेक्ट यहां पे नजर न आकर के थोड़ा ऊपर नजर आएगा इमेज यहां पे नजर आएगी और इमेज की जो एपरेंट हाइट है वो म्यू म्यू कौन सा इस मीडियम का

रिफ्रैक्ट इंडेस है रिलेटिव रिफ्रैक्ट इंडेक्स है ठीक है तो इस वजह से आप इसको समझ सकते हो तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम करें ये कह रहे ग्लास लैब है ये ग्लास लैब ली मैंने इसकी थिकनेस हमें पता नहीं है ठीक है तो थिकनेस अपन एक काम करते हैं टी एज्यूम कर लेते हैं इसकी थिकनेस ये थिकनेस ठीक है टी है और एक बबल है सपोज बबल यहां पर है और बबल की जो एक्चुअल जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस सरफेस ये वाली एक्स है और ये वाली डिस्टेंस मैंने वाई मान ली ठीक है तो एक्चुअल uh, जो डिस्टेंस है ये वाली एक्स और ये वाली वाई है सो द थिकनेस ऑफ द स्लैब इज एक्स प्लस वाई सो इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इफ यू ऑब्जर्व दिस बबल फ्रॉम दिस साइड अगर आप इस तरफ से इस बबल को ऑब्जर्व करते हो तो अगेन वही सेम चीज डेंसर मीडियम में आप रेर मीडियम हो तो आपको बबल यहां ना दिखाई देकर के यहां दिखाई देगा तो ये कितना डिस्टेंस पे दिखाई देगा आपको एक्स बाई म्यू पे ठीक है और अगर आप ऑब्जर्वर यहां पे है आप यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको बबल ये वाला यहां ना दिखाई करके यहां दिखाई देगा क्यों एक चीज देखना अगर ऑब्जर्वर यहां है बेटा तो ये तो एक ऑब्जेक्ट हुआ बबल इससे लाइट रेज सब तरफ इमिनेट हो रही है तो आपको अगर ये वाली इमेज दिखाई दे रही है वो इन रेज के कारण दिखाई दे रही है इन रेज के कारण ये लाइट रेज आएंगी इनका रिफ्रैक्शन होगा देन उसके रिजल्ट के कारण आपको यहां पे ये इमेज नजर आएगी उन रेज की उन रेज से ये इमेज नजर आएगी तो अगर यहां से देख रहे हो आपको एक्स बायू और अगर आप यहां पे हो ऑब्जर्वर अगर यहां पे है तो लाइट रेज इधर भी तो जा रही है बबल से तो उनके कारण आपको इमेज यहां नजर आएगी और ये डिस्टेंस जो है इस सरफेस से इस इंटरफेस से वो वाई बाई म्यू हो जाएगी क्योंकि एक्चुअल लेंथ कितनी है वाई है तो वाई बाई म्यू तो इस क्वेश्चन में आपको यही दे रखा है देखो अगर आप एक साइड से देखते हो तो आपको एपरेंट जो डिस्टेंस है वो सिक्स सेंटीमीटर दिखाई देती है इसका मतलब एक्स बाई म्यू ये वाला जो एक्स बाई म्यू है वो सिक्स के इक्वल है सो यर एक्स इज इक्वल टू सिक्स म्यू आ गया और एक तरफ से देख रहे हो तो वाई बाय म्यू पे दिखाई देगा

चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे चले फॉर ए ग्लास म्यू इज इक्वल टू रूट टू द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म देखो रिफ्रैक्टिंग एंगल क्या होता है रिफ्रैक्टिंग एंगल एंगल प्रिज्म को ही हम रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं ये चीज जरूर ध्यान रखें ठीक है रिफ्रैक्टिंग एंगल क्या दे रखा है आपको ध्यान से देखना इस लाइन को क्लियरली पढ़ें द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जिसको हम डेल्टा मिनिमम बोलते हैं इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल मतलब सो डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू ए म्यू आपको दे रखा है रूट टू और वैसे डेल्टा मिनिमम की अगर हम बात करें या डेल्टा की अगर बात करें तो डेल्टा होता है आई प्लस ई माइनस ए और जब मिनिमम होता है ना तो उसके आई ओरी दोनों बराबर हो जाते हैं तो आई ओरी को दोनों को इक्वल कर दूं तो ये टू आई हो जाएगा टू आई माइनस ए ये डेल्टा मिनिमम आ गया और डेल्टा मिनिमम की वैल्यू ए के इक्वल है यहां पर तो अगर मैं यहां पर ए रख दूं ठीक है अगर मैं यहां ये यह ए वैल्यू यहां पर रखूँ सो ए इज इक्वल टू टू आई माइनस ए टू ए इज इक्वल टू टू आई दैट मीन्स आई इज इक्वल टू ए सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ए एंड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रूट टू का इक्वल है द एंगल ऑफ द प्रिज्म इज हमसे यहां पर ए की वैल्यू पूछिए जी ए की वैल्यू कितनी आएगी ठीक है अब ए की वैल्यू हम इसको कैलकुलेट करते हैं बड़ा सिंपल है ठीक है तो आपको म्यू वाला मिनिमम डिविशन वाला फॉर्मुला याद है अभी भी जैसे हमने डिस्कस किया था तो म्यू इज इक्वल टू साइन वापस लिखू मैं डेल एम मिनिमम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू राइट बस अब ये वैल्यू रखनी है म्यू की वैल्यू रूट टू है यहां पर रूट टू रख दीजिए हमसे ए की वैल्यू यहां पर पूछी है साइन यस अब डेल्टा मिनिमम की वैल्यू कितनी ए है तो A, प्लस A, टू ए प्लस ए टू ए टू ए बाई टू मतलब ए ये सिंपल आ गया यहां पर साइन ए बाई टू आ गया हालांकि ये कैलकुलेट करने की वैसे कोई जरूरत नहीं थी अगर पूछे तो आप फाइन कर सकते हो यहां पर साइन ए की वैल्यू अब देखो यहां पर ये हाफ एंगल में है और ये है तो साइन ए को साइन ए बाई टू में कन्वर्ट किया जा सकता है डेफिनेटली कन्वर्ट किया जा सकता है भाई थीटा 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 का होता है हाफ एंगल में तो वो जरूर आप ध्यान रखें तो साइन ए को लिख सकता हूं टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू और डिवाइड में कौन है साइन ए बाई टू साइन ए बाई टू से साइन ए बाई टू कैंसिल आउट हो गया एंड लेफ्ट हैंड साइड रूट टू है तो रूट टू से रूट टू भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो फिर ये रूट टू बचेगा रूट टू डिवाइड में आ जाएगा इसका मतलब फाइनली हमारे पास वैल्यू क्या आई वन अपॉन रूट टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू अब ये खत्म हो गया क्वेश्चन कैसे वन अपॉन रूट टू दैट मीन्स फोर्टी फाइव डिग्री मतलब ये वाला एंगल फोर्टी फाइव तभी तो वैल्यू आएगी सो दू इज इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री या फाइव बाई फोर टू से टू कैंसल आउट हुआ सो द ए इज इक्वल टू नाइनटी डिग्री सो द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ क्लियर तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था अगेन उसी फॉर्मूला काफी यूज होता है बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अगर प्रिज्म से रिफ्रैक्शन लेना है हमें लाइट का ठीक है तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है चलिए देखते हैं फॉर एवरी एंगल ऑफ डेविएशन देर आर टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस क्या यह सही है फॉर एवरी एंगल एंगल ऑफ ऑफ डेविएशन आर टू एंगल्स इंसिडेंस देखो <coughs> डेल और आई के बीच में ग्राफ आपको ध्यान है कुछ ऐसा बना था ठीक है ऐसा कुछ आता है है ना डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ग्राफ कुछ ऐसा आता है और यहां पर मिनिमम डेविएशन होता है जहां पर आई और दोनों बराबर होते हैं और अगर मैं एक लाइन यहां पे ड्रॉ करूं तो आप गोर से देख सकते हो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर दोनों पॉइंट के लिए डेल्टा सेम है एंगल ऑफ डेविएशन सेम है लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू दो अलग अलग है देखो है ना तो ये काफी सही है फॉर एवरी एंगल ऑफ डेविएशन देर आर टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस ये सही बात है इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं एक पॉइंट ये लास्ट वाला पॉइंट लू यहां पर जहां पर आई और दोनों दोनों बराबर होते हैं I की वैल्यू है वो सेम ठीक है ठीक है, तो है।, है बाकी देखते हैं अपन और कौन कौन से ऑप्शन जवाब देंगे देखिए द लाइट ट्रेवलिंग इन साइड एंड ऑब्वियसली अगर लाइट रे मिनिमम डेविएशन के लिए उस प्रिज्म से पास हो रही है और प्रिज्म इज प्रिज्म राइट तो बेटा ये कंपलसरी है जरूरी है क्योंकि लाइट रे जब इससे पास होगी यहां से तो यहां से लाइट रे यूं जाएगी फिर लाइट रे यूं जाएगी अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं ये दोनों एंगल इक्वल हैं आई और आईओरी जब दोनों बराबर होंगे तो आर वन और आर टू भी बराबर होंगे अब जब आर वन और आर टू बराबर होंगे तो डेफिनेटली ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे देखो ध्यान से ठीक है ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे इसका मतलब अगेन ये इक्वलेटेटर ट्रायंगल बनेगा तो ये वाला इसके डेफिनेटली पैरेलल होना चाहिए है ना तो मतलब सेकंड भी इसका क्या है करेक्ट है थर्ड देखिए देर आर टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस फॉर मैक्सिमम डेविएशन मैक्सिमम डेविएशन के लिए दो एंगल होंगे क्या ठीक है मैक्सिमम डेविएशन की अगर हम बात करें तो आप थोड़ा गौर से देख सकते हो अगेन यहां पर इस ग्राफ में ही आ जाइए आप ग्राफ से ही समझ जाओगे इस पॉइंट पे आइए इस पॉइंट पे आइए तो यहां पर देखिए डेल्टा की वैल्यू मैक्स है इसका मतलब यहां पर आई की वैल्यू आएगी

पिंग द आउटसाइड मीडियम अनचेंज एंड इफ म्यू पी इज ग्रेटर प्रिजम प्रीजम का रिफेक्ट इंडेक्स और एस म्यू एस जो सराउंडिंग का रिफेक्ट इंडेक्स है तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जो है वो इंक्रीज होगा इफ द रिफेक्ट इंडेक्स ऑफ द प्रिजम इज इंक्रीज तो म्यू का और मिनिमम डेविएशन के लिए रिलेशन क्या होता है साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू राइट तो अगर आप ए की बात करें प्रिज्म एंगल की बात करें प्रिज्म एंगल तो फिक्स्ड है है यहां पर ठीक प्रिज्म एंगल तो फिक्स्ड है यहां पर और और ये साइन है है इस 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 तरफ भी, और इस तरफ तरफ भी भी म्यू तो अगर आपने म्यू को इंक्रीज करने का ट्राई किया कोशिश किया म्यू को अगर आपने इंक्रीज किया और ए तो फिक्स्ड है तो डेल्टा मिनिमम को भी तो इंक्रीज होना पड़ेगा समझ रहे हो बात को डेल्टा मिनिमम को इंक्रीज होना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में अगर म्यू इंक्रीज़ हो रहा है तो साइन डेल्टा मिनिमम भी यहां पर इंक्रीज होगा बेटा क्योंकि साइन की वैल्यू आपको अच्छे से मालूम है एंगल बढ़ने पर साइन की वैल्यू बढ़ती है ठीक है तो ये वाला पार्ट बढ़ाना पड़ेगा तब जाके ये वाला पार्ट बढ़ेगा इंक्रीज होगा तो उसके इसमें म्यू इंक्रीज होगा है ना इनडायरेक्टली मतलब या इसका उल्टा भी तो सही होना चाहिए सो द एंगल ऑफ मिनिमम डाइविशन विल इंक्रीज इफ द रिफ्रैक्टिव डेक्स ऑफ द प्रिज्म इज़ इंक्रीज तो ये भी फोर्थ ऑप्शन भी इसका करेक्ट है तो मतलब फोर्थ भी करेक्ट है ठीक है थर्ड भी करेक्ट है और सेकेंड भी करेक्ट है

तो ये जरूर इस टाइप के क्वेश्चन में सारे स्टेटमेंट पढ़ने बहुत जरूरी होते हैं तब जाकर अपन डिसाइड कर पाते हैं कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी होता है ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा क्वेश्चन ऑफ कॉन्वेक्स सर्फेस इज थर्टी सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ लेंस इज थर्टी द लेंस विल बी ठीक है तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस गिवन है और रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है म्यू पूछा आपसे लेंस मेकर फॉर्मूला अगेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एनसीआर में गिवन है तो कोई भी लेंस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस सरफेस का आर वन है इस वाले का आर टू है मीडियम ऑफ लेंस इज म्यू एल एंड सराउंडिंग का जो जो, जो रिफ्कटिव डेक्स है वो म्यू एस है ठीक है तो फोकल लेंथ इस लेंस की कितनी आती है हमारे पास वन अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू एल बाई म्यू एस माइनस वन ब्रैकेट वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर ये फोकल लेंथ का बेसिक सा फॉर्मूला है और प्रॉपर साइन के साथ ये वैल्यू अप्लाई करें आप तो आप इसका आंसर जरूर फाइंड कर सकते हो तो हमें ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की बना देखिए ऐसे ये सरफेस मैंने कंसीडर कर लिया इंसिडेंट लाइट रे को आप एक तरफ से ले आओ ठीक है उसमें कंफ्यूज नहीं हो आप ये मत सोचो कि इधर से लाएंगे तो आंसर अलग आएगा ऐसा नहीं है लेंस को चाहे आप ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो है ना प्लेन सरफेस चाहे चाहे इस इस तरफ रखो, इस तरफ रखो रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आंसर सेम आएगा ठीक है? Okay, तो से तो है और इनफाइन होता है, है बेटा तो अगर मैं इसमें फॉर्मुला अप्लाई करूं अच्छा बाहर एयर है तो म्यूएस जो सराउंडिंग का रिफेक्टेस वो वन हो जाएगा और लेंस का म्यूएल उसको मैं म्यू लिख देता हूं और कॉन्वेक्स सॉरी uh,

जहां से ऑप्टिकल इवेंट होता है ना वहीं से डिस्टेंस मेजर करनी होती है तो आपको यहां से चलकर तो, so, तो, तो, तो बस इतना ही बचेगा ये और आर की वैल्यू भी आपको थर्टी की बने देखिए सो आर इज थर्टी तो यहां पर थर्टी रख दीजिए थर्टी से थर्टी कैंसिल आउट हो गया सो म्यू माइनस वन इज इक्वल टू वन सो तो सिंपल सा आंसर आ गया इसका फोर्थ है ना काफी इजीली हमने इसको सॉल्व कर ली तो लेंस मेकर फॉर्मूला अगेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आई रिपीट इस सेशन में है ना फिजिक्स पंचन के अंदर जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उनमें जितने भी रे ऑप्टिक्स से में जो खास खास जो मेन मेन जो फॉर्मूलाज हैं ठीक है नीट से रिलेटेड जेई मेन से रिलेटेड वो सारे डिस्कस हो जाएंगे यहाँ पर ठीक है तो इस पार्ट को आप केयरफुली देखिए केयरफुली इन केयरफुल्स को सॉल्व कीजिए ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एयर बबल इन स्पीयर हैविंग फोर सेंटीमीटर डायमीटर अपियर्स ओके वन सेंटीमीटर फ्रॉम सर्फेस नियरस्ट टू द आई वेन लुक्ड अलोंग द डायमीटर इफ म्यू ए जी ध्यान दीखिए इसका मतलब ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में है ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में वन पॉइंट फाइव द डिस्टेंस ऑफ द बबल फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सर्फेस इज तो आपको एक स्पीयर गिवन है राइट दिस इज स्पीयर और स्पीयर का जो डायमीटर है वो फोर सेंटीमीटर है तो रेडियस टू सेंटीमीटर आ जाएगा इसका ये स्पीयर का सेंटर ले लिया मैंने तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर बराबर टू सेंटीमीटर है ठीक है डायमीटर अपीयर्स वन सेंटीमीटर फ्रॉम सरफेस नियरेस्ट टू द आई मान लीजिए आई आपकी इस तरफ है और इस स्फीयर के अंदर बबल है मान लीजिए बबल यहां पर है ठीक है द डिस्टेंस ऑफ द बबल फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सर्फेस अगर बबल यहां पे है और आई आपकी यहां पर है दैट मीनस लाइट वेज जो है वो बबल से कुछ इस टाइप से इमिनेट होंगी निकलेंगी एंड देन आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट रे जो है वो आई पर इंसिडेंट होगी एंड देन फिर आपको इमेज मिलेगी और हमसे ये कहा गया है कि जो इमेज है ठीक है वो वन सेंटीमीटर जो है सरफेस से नजर आ रही है वन सेंटीमीटर ठीक है अपियर्स समझ गए होंगे आप शायद अपियर्स इसका मतलब इमेज यहां पर फॉर्म हो रही है इस सरफेस के अंदर और ये जो डिस्टेंस है आपके पास ये है जी वन सेंटीमीटर अपियर्स का मतलब अपेयर्स का मतलब ये जो इमेज है ये वर्चुअल इमेज है तो आपको अंदर दिख रही है दिस इज ऑब्जेक्ट दिस इज इमेज एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हमें पता नहीं है वो यू कैलकुलेट करना है यू हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर राइट तो ये क्वेश्चन किस टाइप का फॉर्म हो गया रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सर्फेस अब रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सर्फेस की बात करें तो फॉर्मूला के लिए हमारे पास जो इसके लिए इसके लिए जो फॉर्मूला है हमारा बेसिकली वो है म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है प्रॉपर साइन के साथ ये फॉर्मूला लगाइए और आप रिजल्ट तक पहुंच सकते हो चलिए करते हैं शुरू टू का आ रही है और तो रही है, और है बाहर एयर के अंदर तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यूटू कौन सा है जिसमें लाइट रे जा रही है का वन सेंटीमीटर तो इस सर्फेस से और ध्यान दीजिए ऑप्टिकल इवेंट यहां से हो रहा है तो आपको डिस्टेंस यहीं से ही मेजर करनी है तो किस तरफ जाना पड़ेगा इंसिडेंट रे के अपोजिट जाओगे ना आपको डिस्टेंस यहां से मेजर करनी है और आप इमेज की डिस्टेंस निकालने के लिए इधर जाओगे उल्टा जाओगे ना और उल्टा जाओगे मतलब वन सेंटीमीटर यहां पर नेगेटिव रखोगे माइनस वन माइनस वन ओके माइनस न्यू वन जहां से लाइट रे आ रही और है और न्यू वन आपको यहां पर मैं वन पॉइंट फाइव रख दूंगा और यू हमें फाइंड आउट करना है अगेन यू इज नेगेटिव वाई क्योंकि घटना यहां से हो रही है और आपको डिस्टेंस यहां से इधर की तरफ मेजर करनी पड़ेगी ऑब्जेक्ट को की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए तो यू इधर मेजर करोगे तो नेगेटिव का यू हो जाएगा तो साइन मैंने इंक्लूड कर लिया यहां पर तो अब जो यू है वो सिंपल डिस्टेंस है ठीक है मैं ऑलरेडी यहां साइन ले चुका हूं इसका बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन म्यू टू वन है और म्यू वन कर्वेचर की बात करें अगेन आइए ये देखिए ये सेफ ऐसा है इसका सेंटर किधर है इस तरफ है अगेन इंसिडेंट रे के आप अपोजिट जाओगे ना इसकी रेडियस को मेजर करने के लिए सेंटर की तरफ जाओगे एंड रेडियस इज टू सेंटीमीटर सो यर आर इज नेगेटिव माइनस टू इन सेंटीमीटर राइट अब इसको सिंपली थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको ये पॉजिटिव हो जाएगा आपके पास माइनस uh, का पॉइंट फाइव माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा पॉइंट फाइव बाई टू राइट एंड माइनस वन को आप इधर ले आइए प्लस वन हो जाएगा तो वन पॉइंट फाइव बाई यू इज इक्वल टू ये आ जाएगा टू पॉइंट फाइव बाई टू राइट इससे पॉइंट हटा दीजिए फाइव से कट कर दो ये तीन हो जाएगा ये पांच हो गया ठीक है सो यर u इज इक्वल टू u आप इधर ले जाइए सिक्स बाय फाइव आ गया सो so u इज इक्वल टू सिक्स बाय फाइव विच मीन्स वन पॉइंट टू सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ बबल फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सर्फेस इज वन पॉइंट टू सेंटीमीटर मेटा फर्स्ट हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस म्यू इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव है रेडियस ऑफ कर्चर ऑफ मैग्नीट्यूड ट्वेंटी सेंटीमीटर तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस अगेन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस आया आपके पास म्यू की वैल्यू गिवन है रेडियस ऑफ करवेचर गिवन है ट्वेंटी सेंटीमीटर विच वन ऑफ द फोलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब बेस्ट ऑफ द इमेज फॉर्मड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट टू सेंटीमीटर प्लेस थर्टी सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस तो लेंस से टू सेंटीमीटर सॉरी थर्टी सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा है और उसकी हाइट है टू सेंटीमीटर तो बताइए उसकी जो इमेज है वो कैसी बनेगी तो बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है एकदम तो हमें इसका फॉर्मूला लगाना है बेटा तो सबसे पहले हमें फोको लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी इस कॉन्वेक्स लेंस की ठीक है तो इस कॉन्वेक्स लेंस की फोको लेंथ के लिए मैं यहाँ पे रिलेशन लिख देता हूँ वन अपॉन एफ

बाई ट्वेंटी करेक्ट तो पॉइंट हटा दीजिए जीरो आ गया और इसको कट करोगे तो यह आ जाएगा चालीस सो फोकल लेंथ इज फोर्टी है ना फोकल इमेज फॉर्मेशन के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तो वो फॉर्मूला है के लिए यही फॉर्मूला लगता है इमेज फॉर्मेशन के लिए और एफ की वैल्यू फोर्टी है तो ये कॉन्वेक्स लेंस है पॉजिटिव भी है फोकल लेंथ तो वन अपॉन फोर्टी डायरेक्ट यहां पर आ जाएगा अब क्या कह रखा है देखो ऑब्जेक्ट जो है वो लेंथ से

वर्चुअल फॉर्म होती है इरेक्ट होती है मैग्नीफाइड होती है ठीक है तो ये ऑप्शन अगर आपको डायरेक्ट यहां पे पता लग रहा है तो डायरेक्ट एक ही ऑप्शन मिल रहा है तो उसको डायरेक्ट टिक कर सकते हो वर्चुअल फॉर्म फॉर्म होगी होगी रियल नहीं हो इसका मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ में वर्चुअल है तो ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है और मैग्निफाइड होती है मैग्नीफाइड का मतलब हाइट ज्यादा होती है ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है टू सेंटीमीटर है तो हाइट ये कह रहा है फर्स्ट में जीरो पॉइंट फाइव कम कर दी तो ये इनकरेक्ट हो गया है ना तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया डायरेक्ट फोर्थ करने की जरूरत नहीं पड़ी अपन को तो आप पूरा कंप्लीटली कई बार क्वेश्चन को है ना आधा करने के बाद चेक जरूर कर लिया करें कि क्या क्वेश्चन में जो ऑप्शन है उनमें करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है है ना तो टाइम सेव हो जाता है तो यहां से ये अपन को देखो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया लेकिन फिर भी अपन इसको कैलकुलेट करते हैं देखते हैं तो वन अपॉन वी माइनस वन अपऑन यू वी हमें फाइंड आउट करना है माइनस वन अपॉन यू जिसको फाइंड आउट करना हो ना उसमें कोई साइन मत लगाओ अगर आप कंफर्म हो तो लगा दो अदरवाइज रहने दो अपॉन यू यू देखा जाए तो देखिए ऑब्जेक्ट इस तरफ है इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है और आपको डिस्टेंस हमेशा यहां से मापनी है मेजर करनी है तो लेंस से इधर जाओगे मेजर करने के लिए तो माइनस का थर्टी यूज करोगे सो हियर यू इज माइनस थर्टी एफ की वैल्यू कितनी है फोर्टी है तो वन अपॉइन फोर्टी यहां पर आ गया ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो वन अपॉइन फोर्टी माइनस वन अपॉन थर्टी हो जाएगा तो ये यह कैलकुलेशन यहां पर करते हैं अब अपन सो यान अपॉन वी इज इक्वल टू

माइनस का फोर्टी अभी लेंस लिया था माइनस माइनस का का सॉरी तो माइनस थर्टी सो दैग्निग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सो एम इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ एंडर एम इज फोर एच ओ इज टू सेंटीमीटर इंटू टू इज एट सेंटीमीटर सो हाइट ऑफ इमेज इज एट सेंटीमीटर सो द करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ है ना, तो फोर्थ है फोर्थ ऑप्शन उप्ष, है वो करेक्ट हो जाएगा ठीक है वैसे हमें पहले ही पता लग गया था ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले टू थिन पॉवर ऑफ द फोकल लेंस एंड एंड आर इन द द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज अगेन ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है नीट के एग्जाम से या एग्जाम के लिए या जेई मेन्स के लिए बात करें अपन क्योंकि लेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो वो आपको एनसीईआरटी में गिवन है तो उस पार्ट को बहुत अच्छे से कवर करना है और एग्जाम पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ठीक है थीके? तो जो एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस है ना उन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें आप और उनमें इस इस यूनिट के अंदर को लिया गया है, mostly, तो दो लेंस को जब आप कॉन्टेक्ट में रख दो दोनों की फोकल लेंथ अगर F1, F2 है, फोकल लेंथ तो ये दोनों लेंस मिलकर के एक इफेक्टिव लेंस की तरह बिहेव करेंगे जो काम ये दोनों मिलकर कर रहे हैं ना अकेला वो एक लेंस काम कर दे तो उसकी जो फोकल लेंथ है वो वह एफ इज इक्वल फॉर्मूला भी आपको साइन के साथ अप्लाई करना है अगर लेंस इज कॉन्वेक्स देन पॉजिटिव रखिए कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ क्या रखनी है आपको नेगेटिव हमें ये गिवन है ही नहीं इसके अंदर लेंस कैसे हैं तो हम साइन लगाएंगे नहीं इसके अंदर पता नहीं है ना लगाना ही नहीं है और एफ एन एफ टू देखे पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज पावर का मतलब का, power का क्या होता है लेंस के लिए होता है माइनस वन अपॉन एफ ये चीज जरूर ध्यान रखें भाई तो लेंस के लिए अगर आपको पावर पता करनी है तो वन अपॉन एफ पावर ही तो है पी अब इसका एलसीएम ले लो एफ एन एफ टू और यह आ जाएगा एफ एन प्लस एफ टू बस खत्म ये पावर आगे बेटा और इसमें ऑप्शन कौन सा नजर आ रही है थर्ड ऑप्शन इसमें है है ना सही हो जाएगा ठीक तो ये वाला पार्ट भी काफी है, में रिफ्लेक्टिव डेक्स ऑफ द वोटर इज फोर बाई इससे एंड द फिश इज ए सेंटीमीटर बिलो द थ्रू द रेडियस ऑफ द ऑफ वर्ल्ड सर्कल इन देंटीमीटर इज ओके ये क्वेश्चन टी आई आर पर बेस्ड है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये water है नीचे है ना इसका इंडेक्स म्यू डब्ल्यू है बाहर एयर है और हमें पता है ये मालूम होना चाहिए आपको टी आई आर हमेशा कब होता है जब लाइट रेट डेंसर टू रेयर मीडियम में जाती है डेंसर से रेयर में जाती है तभी टीआईआर होता है ठीक है यहां पर यह फिश है है ना या कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए आप मान लीजिए तो इस ऑब्जेक्ट से अगर मैं ऑब्जेक्ट लिया मैंने इस ऑब्जेक्ट से अगर मैं लाइट रे इमिनेट करूं तो अगर लाइट रे सीधी पास करवाऊं इसमें नॉर्मल इंसिडेंस करवाऊं तो नॉर्मल भी यही होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इस लाइट रे के लिए क्या होगा जीरो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो हो जाएगा लाइट रे सीधी पास हो जाएगी ठीक है एक चीज का जरूर ध्यान रखें आप जब भी दो मीडियम दो मीडियम मतलब जिनका रिफ्रैक्ट इंडेक्स डिफर करता हो चेंज होता हो इंटरफेस हमेशा वहीं बनता है उनकी बाउंड्री होती है ठीक है जैसे ये ये medium, ये मीडियम मीडियम है, है, ये इंटरफेस है मीडियम जहां जहां चेंज हो रहा है, और नॉर्मल हमेशा इंटरफेस के परपेंडिकुलर होता है ये हमेशा माइंड में रखा करें आप तो नॉर्मल ये बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है आई जीरो नजर आ रहा है यहां पे क्योंकि नॉर्मल भी यही है तो आर भी जीरो आर बी जीरो लाइट सीधी पास हो जाएगी लेकिन लाइट रे फिर किसी और एंगल पे इंसिडेंट करें तो बाहर रेरर मीडियम है तो लाइट रे रिफ्रैक्ट हो जाएगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस केस में ज्यादा होगा तो लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी एक कंडीशन ऐसी आएगी जब लाइट रे ऑलमोस्ट नाइन्टी डिग्री एंगल पर पास हो जाएगी तो इस केस में ये वाला जो एंगल है ना ये क्रिटिकल एंगल को रिप्रेजेंट करेगा ठीक है ये क्रिटिकल एंगल को रिप्रेजेंट करेगा और सेम जो फोटो है वो आप इस तरफ भी बना सकते हो क्रिटिकल एंगल के लिए ठीक है ये वाला केस यहां से लाइट रे इस तरफ चली जाएगी सिमेट्री बन रही है ना तो ये इस टाइप से गई उसके बाद में कोई भी लाइट रे जाएगी ना वो सारी लाइट रे इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी कंप्लीटली वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा टी आई आर हो जाएगा टोटल का मीनिंग है तो ये टोटल कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो गई बाहर एक परसेंट भी नहीं जा रही इस रीजन के बाद में लेकिन इस रीजन में देखें ना अपन तो रिफ्लेक्ट तो हो ही रहा है लाइट रे बाहर जा भी रही है लेकिन पार्शियल रिफ्लेक्शन भी होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है लाइट रे वापस भी आती है भाई आप ये समझो कि लाइट रे जा रही है ना ये ये जा रही है इसका कुछ पार्ट लाइट रे का रिफ्लेक्ट भी होता है यहाँ पर ठीक है दैट इज कॉल्ड इंटरनल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्लेक्शन ठीक है उसको टी आई आर नहीं बोलोगे टी आई आर मतलब कंप्लीटली लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाती है तो ये केस बना है यहाँ पर तो ये तो हमने ये फोटो बनाई ऑब्जेक्ट रखा तो इसका मतलब लाइट रे इस ऑब्जेक्ट से किस रीजन के से बाहर आ रही है अगर हम बाहर एयर में हैं तो लाइट रे केवल इसी रीजन में बाहर आ रही है देखिए इसी रीजन में ये वाला थीटा सी वाला जो पार्ट है ना इसी रीजन से लाइट रे बाहर आ सकती है यहां से लाइट रे आई बाहर आ गई यहां से लाइट रे बाहर आ गई है ना ये बाहर आ गई ये लाइट रे बाहर जा रही है इसी रीजन में और ये कौन बनेगा इस टाइप में और यहां पे ये सर्कल बना केवल इसी सर्कल से ही लाइट रे बाहर आ रही है और लो ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे मतलब लाइट रे की अगर डायरेक्शन को अपोजिट कर दें रिवर्स कर दें तो लाइट रे अपने पाथ को रिट्रेस करती है इसका मतलब लाइट रे अगर यूं जा रही है तो लाइट रे की डायरेक्शन को अगर पलट दें उल्टा कर दे तो लाइटरे वापस तो इसी में से तो आएंगी सर्कल में, तो तो मतलब मतलब में, में से आएंगी आएंगे एयर में जो भी ऑब्जेक्ट होंगे उनसे जो रेज आएंगी ना बेटा वो सारी सारी रेज इसी रीजन में से आएंगी इसी रीजन में से आएंगी इसी सर्कल में से आएंगी और अगर आपने इस सर्कल को कवर कर दिया किसी से ढक दिया तो फिर फिश जो है वो बाहर की दुनिया को देख ही नहीं पाएगी क्योंकि वो सारी लाइट ब्लॉक हो जाएंगी बात आई समझ में बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है तो हमें इस सर्कल की रेडियस पता करनी है यहाँ पर और रेडियस अब कैसे पता करें इसको मैं गायब करूँ आप देखिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है क्रिटिकल एंगल को कवर करना है आंसर आपके पास आ ही जाएगा ये वाली पिक्चर है ठीक है अब हमें इस सर्कल की रेडियस यहाँ पर फाइंड आउट करनी है तो रेडियस यही तो होगी ये वाली

सो साइन सी इज इक्वल टू वन वन बाई म्यू आ गया ये वन म्यू के बराबर आ गया साइन सी अब अगर आपको आर चाहिए तो ये राइट right एगल आपको नजर आ रहा है इस right से देखो तो, c. C r h. So, r h c. तो आपको एच से टेन थीटासी को मल्टीप्लाई करना है जी सिंपल अब टेन थीरासी कैसे कैलकुलेट करोगे इन थीटासी की वैल्यू आपको पता है यहां पर तो साइन की अगर वैल्यू पता है टेन की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं जो स्टूडेंट ये नहीं जानते तो वो बहुत आसानी से यहां समझ सकते हैं देखो एक सिंपल राइट एंगल एगल बना लीजिए ये मान लो sin का मतलब होता है परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज क्योंकि साइन थी अपॉन म्यू है तो परपेंडिकुलर इज वन एंड हाइपोटेनस इज म्यू वन बाई म्यू सो बेस इज म्यू स्क्र माइनस वन स्क्र राइट एच स्क्र माइनस पी स्क्त बेस आ गया और टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो टेन थीटासी की वैल्यू यहां पर रख करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो तो अब देखिए यहां पे देखो कितना आएगा सो आर इज इक्वल टू एच इन टू टेन थीटा टेन परपेंडिकुलर बाय बेस वन अपॉन अंडरवूड म्यू स्क माइनस वन ये रेडियस आ गया हमारे पास है ना तो रेडियस है सिंपल आप इसको डायरेक्ट याद भी रख सकते हो तो रेडियस ऑफ सर्कल इज एच अपॉन अंडरवूड अंडरवूड म्यू स्क्टर माइनस वन एच इज ट्वेल्व सेंटीमीटर एंड म्यू इज फोर बाई थ्री तो यह आपको बस वैल्यू रखनी है यहां पर और आंसर फाइन करना है ठीक है सो आर इज इक्वल टू एच एच इज इक्वल टू ट्वेल्व अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वेयर माइनस वन फोर बाय थ्री का स्क्वेयर मतलब यह आ जाएगा सिक्सटीन बाई नाइन माइनस वन सिक्सटीन माइनस नाइन हो जाएगा सेवन ठीक है और नाइन का अंडर रूट थ्री हो जाएगा तो ट्वेल्व इंटू थ्री ऊपर चला गया और रूट सेवन डिवाइड में आ गया ठीक है और ये हमें पता ही कितना हो जाएगा थर्टी सिक्स ठीक है थर्टी सिक्स बाय रूट सेवन तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा फोर्थ हो जाएगा ठीक है ना तो इसके साथ साथ हमने टी वाला पार्ट भी कवर कर लिया और इस सर्कल को सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस भी बोलते हैं बेटा ठीक है इस सर्कल की रेडियस कितनी वो हमने फाइंड कर ली रेडियस आ गई एच एफ वन में अंड्रोड न्यू स्क्र माइनस वन और अगर इस एरिया पूछे तो एरिया आ जाएगा पाईआर स्क्वेयर है ना कई बार ये पूछा जाता है कि इस एक पेपर लिया हो या ओपेक सरफेस ली ओपेक एक आ, कोई कवर लिया आपने ओपेक मटेरियल है और उससे आपने इसको कवर कर दिया ठीक है तो बताइए उसका एरिया कितना होगा जिससे कि ये जो बाहर की जो लाइट है अंदर ना जा पाए या अंदर वाली बाहर ना जा पाए ठीक है तो उसका एरिया भी निकाल सकते हो आप पाई इंटू में आर स्क्वेयर करके जो सर्कल है पाई आर स्क्वेयर फॉर्मूला लग जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ए ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलेंडर रोड हैज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू बाई रूट थ्री येस इट इज सराउंडेड बाई एयर ए लाइट रे इज ए इंसिडेंट एट द मिड पॉइंट ऑफ द ऑफ वन एंड ऑफ द रोड एज शॉन द फिगर यस द इंसीडेंस एंगल थीटा फॉर विच द लाइट रे ग्रेजेज अलॉन्ग दोल ऑफ द रोड इज अगेन स्नैल स्लो पर बेस्ड ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा इस रोड को आप देख लीजिए सराउंडिंग में एयर है सब जगह एयर है ठीक है अब इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं यहाँ पर फाइन करूँ तो कुछ ऐसा है ये और ये फ्लैट सरफेस है ये मिड पॉइंट है यहां से ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है बेटा अब ये थीटा पूछा आपसे ये थीटा कितना होना चाहिए जिससे कि यहां से लाइट है क्योंकि ये रेरर मीडियम है ये डेंसर है तो लाइट रे पक्का यूं जाएगी नॉर्मल बनेगा ना ये लाइट रे टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी और फिर यहां से लाइट रे ग्रेजिंग एमरजेंसी ये एंगल नाइनटी आए तो बताइए थीटा कितना है तो इस मीडियम का रिफेक्टेक्स म्यू है बाहर एयर है ये वाला एंगल मान लीजिए कि आर है तो अगर मैं यहां पर स्नेल्स लो अप्लाई करूं इस वाले पार्ट पर तो आप आसानी से पता कर सकते हो की वैल्यू कितनी आएगी अच्छा ये अगर R है तो ये राइट एंगल ट्रेंगल के लिए, लगाना है, और इस के लिए लगाना है तो, सबसे पहले अगर मैं इस के लिए तो बार एयर है तो वन इंटू साइन थी राइट वन इंटू साइन थी बराबर म्यू म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है टू बाई रूट थ्री है तो रखी देते हैं इंटू में साइन

द इमेज विल भी अब ये पूछा है कि इमेज कहां पे बनेगी कैसे बनेगी ठीक है ये पता करना है तो पहली चीज तो देखो ऑब्जेक्ट इमेज इमेज भी दो टाइप की होती है रियल एंड वर्चुअल ठीक है इमेज कब बनती है इमेज बनती है ऑप्टिकल इवेंट के बाद में मतलब जो ऑप्टिकल इवेंट, इवेंट हुआ है ना उसका रिजल्ट होता है इमेज अब ऑप्टिकल इवेंट की बात करें तो रिफ्लेक्शन भी हो सकता है रिफ्लेक्शन भी हो सकता है तो मैं ये कहूं रिफ्लेक्शन के बाद में जो रेज निकलती है उनके क्रॉसपॉन्डिंग इमेज बनती है या रिफ्लैक्शन के बाद में जो रेज मिलती है या अपियर होता है ऐसा तो इमेज बनती है ठीक है रिफ्लेक्शन या रिफ्लैक्शन के बाद में और जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो रिफ्लेक्शन या रिफ्लैक्शन से जस्ट पहले की बात होती है मतलब रिफ्लेक्शन या रिफ्लैक्शन से जस्ट पहले जो रेज है उन रेज की नेचर के अकॉर्डिंग अपन को पता लगाना होता है कि ऑब्जेक्ट कहां पर होगा अब ये रेज जो है ये रेज ऐसे आ रही है अगर रियल ऑब्जेक्ट होता तो रेज यू निकलती ना? है ना डाइवर्ज होती ऑब्जेक्ट से, लेकिन ये तो कन्वर्ज हो रही है इसका मतलब यहां पर जो है ना देट मीन ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल तो ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल है कोई इशू नहीं है इमेज पता करना है तो आप अब फॉर्मुला लगा दोगे मिरर के लिए प्लस वी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ फॉर्मूला लगा दिया मैंने अपॉन वी वी पता करना अपन को पता करना है उसमें साइन मत रखना upon U, U की बात करें डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है यू और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा कहां से मेजर करनी होती है जहां से ऑप्टिकल ऑप्टिकल इवेंट इवेंट होता है बेटा इस सर्फिस से हो रहा है ठीक है ऑब्जेक्ट का यहां पर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाएंगे मेजर करने के लिए ट्वेंटी सेंटीमीटर डिस्टेंस तो यू इज द इंसिडेंट प्लस ट्वेंटी फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो थर्टी रख दीजिए सही है तो upon v v आ आ आ आ गया upon minus upon so, v is equal to, अब इसका ले लोगे जाएगा 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 ये आ जाएगा ये ऊपर मैंने आपको बताया था ना अगर reflection हुआ है और v की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो हाथों तो जवाब दे देना भैया कि इमेज रियल है v negative आता है रिफ्लेक्शन में और यही केस अगर रिफ्रैक्शन हुआ है और v नेगेटिव है तो, तो पक्का इमेज कैसी बन जाएगी वर्चुअल ठीक है तो यहां वी नेगेटिव आया तो इमेज कन्फर्म है रियल है तो इमेज कैसी बनेगी रियल रियल के दो ही केस दिख रहे हैं यहां पे देखो एक तो ये वाला और ये वाला और लेकिन इसमें इमेज इनवर्टेड और इरेक्ट का पूछा है तो निकालना पड़ेगा आपको एम बराबर मिरर के लिए होता है साइन कन्वेंशन के साथ ये अप्लाई करना है वी हमारे पास माइनस सिक्सटी आया है तो रख दीजिए एज इट इज उसमें साइन ऑलरेडी एडेड है यू की बात करें यू है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बताइए क्या आएगा इंसिडेंट रहेगा लॉन्ग विच इज ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी ना प्लस ट्वेंटी सो so, ये कट करोगे तो माइनस का थ्री मैग्निफिकेशन नेगेटिव में आया है तो सीधे सीधा समझ में आ रहा है इमेज कैसी है इनवर्टेड है रियल इमेज है तो इन्वर्टेड है रियल इमेज है तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा बेटा ठीक है तो चलिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पे चलते हैं ए ट्रांसपेरेंट क्यूब ऑफ फिफ्टीन सेंटीमीटर एच कंटेन ए स्मॉल एयर बबल इट्स एपरेंट डेप्थ वेन व्यूड थ्रू वन फेस इज सिक्स सेंटीमीटर and when viewed through the opposite face is 4 cm then the refractive index of the material of the cube is again same type ka question hum already discuss kar chuke the again main is question ko fatafat yahan pe explain kar dun aapko fatafat thickness aapko de rakha hai 15 cm right so your thickness is t air bubble maan lijiye yahan par hai this distance is x this distance is y अगर आप एक तरफ से देखोगे तो आपको x by mu पे नजर आएगा और इस तरफ से देखोगे तो आपको y by mu पे नजर आएगा एक्स बाई म्यू जो है वो गिवन है कितना है देखिए सिक्स सेंटीमीटर सो एक्स म्यू सिक्स सो एक्स इज इक्वल टू सिक्स म्यू एंड एक तरफ से देखोगे वाई बाई म्यू वाई बाई म्यू कितना है फोर सेंटीमीटर सो वाई इज इक्वल टू फोर म्यू राइट देन एक्स प्लस वाई इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब सो एक्स प्लस वाई विच इज फिफ्टीन सेंटीमीटर सो एक्स प्लस वाई इज फिफ्टीन सेंटीमीटर एड कर दो दैट इज टेन म्यू सो इर इज इक्वल टू फिफ्टीन बाई टेन मीन वन पॉइंट फाइव

ओके okay, आगे देखते हैं प्लेन मिरर इज फिक्स एट ए हाइट ऑफ फाइव सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ वॉटर वॉटर सर्फेस से ऊपर फाइव सेंटीमीटर हाइट पर आपने एक प्लेन मिरर को एडजस्ट किया हुआ है है डिस्टेंस ऑफ द द इमेज फ्रॉम मिरर ठीक आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम इट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओ एट द बॉटम ऑफ द बीकर इज वेरी इजी ध्यान से देखिएगा ये टेन सेंटीमीटर है और रिफ्रैक्टिव डेक्स आपको म्यू बराबर फोर बाई थ्री दे रखा है ठीक है गौर से देखना यहां पर ये यह प्लेन सरफेस है है ना ये वॉटर की सरफेस है मतलब इंटरफेस है एक्चुअली देखा जाए, यहां पे एयर है तो इस कॉइन की बात करें ये कॉइन है या ऑब्जेक्ट है जो भी है ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज यहां से जाएंगे यह रिफ्रैक्शन होगा यहां पर रिफ्रैक्शन कहां से हुआ प्लेन सर्फेस से प्लेन सर्फेस से जब भी रिफ्रैक्शन होता है डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट जाती है तो हमें इमेज एपर डेप्थ पे नजर आती है तो इस रिफ्रैक्शन की जो इमेज होगी ना वो हमें यहां पे नजर आएगी एपर डेप्थ पे और एपर डेप्थ आप आराम से बता सकते हो ये पूरा कंप्लीट 10 है बेटा तो एपर डेप्थ होती है एच बाई म्यू सो एच बाई म्यू सो दिस लेंथ इज एच टेन म्यू इज फोर बाई थ्री ऊपर चला गया टू से कट करोगे फाइव तो दिस इज सेवन सेंटीमीटर

ज ट्वेल्व पॉइंट फाइव सेंटीमीटर सो द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस मीर इज ट्वेल्व पॉइंट फाइव सेंटीमीटर और प्लेन मीर जो होता है उससे हमें अच्छे से मालूम है जितनी डिस्टेंस पर जितनी परपैंडिकुलर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है सेम प्रपैंडुलस पर इमेज फॉर्म होती है ठीक है तो ऑब्जेक्ट अगर बारह पॉइंट पांच सेंटीमीटर इधर है तो इमेज बारह पॉइंट पांच सेंटीमीटर यहां बन जाएगी यहां पर Mirror से 12.5 सेंटीमीटर तो काफी सिंपल था यही पूछा था इसमें. 5 mirror, it, इस से में जो आ, उसकी ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओ एट दॉटम ऑफ दीकर मीर से है मीर से आ, उसकी डिस्टेंस कितनी होगी तो मीर से डिस्टेंस कितनी होगी ट्वेल्व पॉइंट फाइव सेंटीमीटर करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एयर क्रिटिकल एंगल इन ए मीडियम फॉर लाइट ऑफ रेड कलर इज लैमडा वन इज थी अदर फैक्ट रिमेनिंग सेम क्रिटिकल एंगल फॉर द लाइट ऑफ द येलो कलर लैमडा टू विल बी क्रिटिकल एंगल ओके अगेन टी आई आर वाले पार्ट पे आप वापस आइए बाहर एयर है बेटा और ये मीडियम का रिफ्रेक्टेक्स म्यू है ठीक है लाइट रे इस मीडियम से जाएगी क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट हुई और अमर्ज हो गई और इसके लिए अगर आप स्नेल स्लो लगाओगे तो बड़ा आसानी से आप लगा सकते हो म्यू इंटू साइन थी जो कि वन हो जाएगा सो साइन थी म्यू इंटू साइन थी इज इक्वल टू वन सो साइन थी इज इक्वल टू वन बाई म्यू म्यू अगर ज्यादा होगा ना ये वाली क्वांटिटी घट जाएगी तो उसके इसमें क्रिटिकल एंगल कम हो जाएगा करेक्ट अब क्या कलर के अकॉर्डिंग म्यू की वैल्यू अलग अलग होती है डेफिनेटली अलग -अलग, अलग अलग होती है क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप म्यू से लिखो या एन से लिखो जैसे मैं एन से लिख दू ठीक है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बेटा परमिटिविटी ऑफ रेलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम रेलेटिव एपसाइलन आर और रेलेटिव प्रमिबिलिटी जो होती है म्यू आर के टर्म्स में कुछ इस वे से लिखा जाता है ये रिलेशन भी आप याद रखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला पार्ट से ये लिया गया है तो एपसाइलन आर और म्यू आर का मल्टीप्लीकेशन करो एंड देन रूट कर दोगे तो आपके पास एन आ जाएगा ठीक है जनरली जो मीडियम हम लेते हैं ग्लास हुआ एयर हुआ इन मीडियम्स के लिए जनरली म्यू आर की वैल्यू ऑलमोस्ट वन के बराबर होती है ऑलमोस्ट वन के बराबर स्लाइटली थोड़ा वो चेंज होता है एप्साइलन आर जो है वो वन से ग्रेटर होता है ठीक है लेकिन ये ध्यान रखना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए बात नहीं हो रही है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए लाइट के लिए बात हो रही है लाइट इज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट होता है ना तो उसके लिए मीडियम के लिए उसके लिए मीडियम के लिए जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है ना वो अलग होती है जैसे वोटर के लिए बात करें वोटर के लिए एट्टी होती है एप्सल आर की वैल्यू लेकिन इसके लिए ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो है वो एपसेल की वैल्यू वोटर के लिए वो एट्टी नहीं होती फिर वो अलग हो जाती है ठीक है ये ध्यान रखें आप तो एन की वैल्यू इन पे डिपेंड करती है है ना तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होती है ना तो उस केस में एप्सलन आर चेंज हो जाता है और फिर एन भी चेंज हो जाता है रिफ्रैक्टिव डेस्क भी चेंज हो जाता है ठीक है तो रिफ्रैक्टिव डेस्क का मेन जो रिलेशन है वो कोची की इक्वेशन से दिया जाता है और ये इक्वेशन आप शायद जानते हैं म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय लैमडा स्क्वेर है ना प्लस सी बाय लैमडा की पावर फोर इस वे से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो है ना दो स्टेप तक चले तो अपन यहां तक जा सकते हैं तो लैमडा अगर ज्यादा है तो म्यू कम होता है ठीक है अब आप ये बताइए रेड लाइट है रेड के लिए लैमडा ज्यादा होता है तो रेड का म्यू कम होता है भाई तो म्यू ऑफ आर इज लेस देन म्यू ऑफ येलो येलो कलर राइट सो म्यू आर इज लेस देन म्यू वाई सही है और म्यू आर के लिए क्रिटिकल एंगल थीटा है और हमने अभी भी सीखा कि अगर म्यू इंक्रीज होगा क्रिटिकल एंगल डाउन होगा तो सीधी सी बात है म्यू वाई है तो सीधी सी बात है इसका क्रिटिकल एंगल कम होना चाहिए कि म्यू वाई ज्यादा है बेटा इसका मतलब थीटा वाई थीटा सी क्रिटिकल एंगल के लिए थीटा वाई लिख दिया मैंने तो थीटा वाई शुड बी लेस देन थीटा आर थीटा आर और थीटा आर जो थीटा है केवल ठीक है थीटा वाई तो येलो के लिए क्रिटिकल एंगल बेटा इस थीटा से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा लेस देन थीटा करेक्ट तो काफ़ी सिंपल सा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन फ्रेम हो गया इसके अंदर हमने आ, देखा जाए तो डिस्पर्जन को कंसीडर कर लिया डिस्पर्जन बोले तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है ना वो कलर के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है तो उस पार्ट को भी थोड़ा सा इसमें हमने कवर कर लिया है ये पार्ट भी आपको आना चाहिए चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं

ठीक है बाहर एयर है इस मीडियम का इंडेक्स मैंने म्यू कंसिडर कर लिया तो अगर मैं स्नेल्स यहां पर अप्लाई करूं तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हो म्यू इंटू साइन आई बाहर वन है एयर का रिफेक्ट वन इंटू साइन नाइनटी साइन नाइनटी भी वन हो जाएगा अब साइन आई आई की वैल्यू अगर हम नोट डाउन करें तो कि आई है ये भी आई हो जाएगा और ये राइट एंगल ट्रैंगल है ये थ्री है ये फोर है तो इसका हाइपोट फाइव ही आएगा कंफर्म थ्री फोर फाइव Value से कितनी आएगी मतलब so, 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 करेक्ट अब हमसे पूछा क्या है हाउ फास्ट इज द लाइट ट्रेवलिंग द लिक्विड तो मतलब इस लिक्विड के अंदर लाइट की स्पीड से चल रही है स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम इज इक्वल टू सी बाई म्यू स्पीड ऑफ लाइट व्हिच इज 3 इंटू टेन टू द पावर 8 मीटर 3, 3 से 3, 3, तो अगर आप रखोगे तो यहां पर आप आसानी से सकते हो कितना आएगा ये 1 पॉइंट 3 तो ये आ जाएगा सो 1.8 पॉइंट एट इन टू टेन टू दावर एट मीटर पर सेकेंड तो ये हमारे पास सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तो इसमें जोमेट्री का लग गया स्नेल स्लो लग गया ठीक है और जो स्पीड होता है मीडियम के अंदर लाइट का सी वो वाला लग गया ठीक है चलिए आगे क्वेश्चन नंबर इफ ए गैलीलियन टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ फोकल एंड टू हंड्रेड सेंटीमीटर एंड फोर सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली मैग्निफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप फोर पर्सन ऑफ द नॉर्मल विजन इज देखो जनरली गैलीलियन टेलीस्कोप लिखा होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप लिखा होता है ठीक है या रिफ्लैक्टिंग टेलीस्कोप भी लिखा होता है फॉर्मूला आपको एक ही लगाना है ठीक है नॉर्मल विजन की बात करें अपन रिलैक्सड आई वाले मोड की बात करें तो जो फाइनल इमेज फॉर्म करते हैं ना अपन टेलीस्कोप से वो इनफाइनाइट पे फॉर्म करते हैं फाइनल इमेज और उस केस में मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन जिसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं

एंगल का रेशियो ही जो है ना वही एंगुलर मैग्निफिकेशन बोला जाता है या मैग्नीफाइंग पावर बोला जाता है और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है एफ नोट अपॉन में इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस ठीक है तो इनका ये रेशियो होता है और एफ नोट जो है यहाँ पर बेटा आपको गिवन है टू हंड्रेड सेंटीमीटर है और एफ ई जो है फोर सेंटीमीटर के इक्वल है है ना कुछ ना दे रखा हो तो हमें यही देखना है कि जो इमेज है वो कहां पे बने इंफिनिटी पे बने तो उस केस में यही फॉर्मुला जनरली हम अप्लाई करते हैं बहुत बेसिक सा है इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी फिफ्टी द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड क्लियर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले ए कॉन्वेक्स लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर इज इन कॉन्टेक्ट विद ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था पावर कितना आया था P इज इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू अपॉन में एफ f2 एफ टू वाई क्यों वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन एफ एन प्लस वन अपॉन एफ टू कंबाइन कर दिया दो लेंसेज को ठीक है सो वन अपॉन एफ इज द पावर ऑफ इफेक्टिव लेंस विच इज वन अपॉन एफ एन प्लस वन अपॉन एफ टू में लोगे एफ एन एफ टू तो वैल्यू आ जाएगी पीजी एफ एन प्लस एफ टू ओपन में एफ एन प्लस एफ एन टू एफ टू कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कॉनकेव की नेगेटिव होती है इस चीज का जरूर ध्यान रखें तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ जो है वो फोटी है और ये ध्यान रखें ये जो वैल्यू है क्योंकि आपको आंसर डायोप्टर में देना है तो ये जो वैल्यू रखोगे वो मीटर में रखना आप ठीक है डायोप्टर कब आएगा जब फोकल लेंथ मीटर में रखोगे आप तो ये फोर्ट सेंटीमीटर मीटर में रखेंगे तो सीधी सी बात है हंड्रेड से डिवाइड कर देंगे तो पॉइंट फोर आ जाएगा सो एफ वन जो है वो पॉइंट फोर है एफ टू जो है वो आपको दे रखा ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ट्वेंटी फाइव बाई हंड्रेड ठीक है तो पॉइंट टू फाइव आ गया लेकिन नेगेटिव में माइनस का पॉइंट टू फाइव अपॉन एफ वन एफ टू पॉइंट फोर और इनटू में सॉरी माइनस इनटू में पॉइंट टू फाइव ठीक है तो ये इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं तो पॉइंट फोर में से पॉइंट टू फाइव अगर आप सब्टैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा पॉइंट वन फाइव आ जाएगा और वो भी प्लस का आएगा पॉइंट वन फाइव सही किया आई थिंक मैंने तो पॉइंट वन फाइव टू एंड वन थ्री एंड ठीक है फोर हो जाएगा ठीक है चलिए ये ये तो वैल्यू पॉजिटिव है यहां पर कोई दिक्कत नहीं लेकिन नीचे नेगेटिव है तो नेगेटिव तो आएगी ओवरऑल ये जीरो पॉइंट फोर ये पॉइंट टू फाइव तो पॉइंट हटा दीजिए यहाँ से ये तीन ये पांच ठीक है माइनस थ्री और ये इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये टू आ जाएगा तो माइनस का थ्री बाई टू राइट माइनस का थ्री बाई टू कितना आता है माइनस का वन पॉइंट फाइव डी तो माइनस वन पॉइंट फाइव डायप्टर इसकी वैल्यू आ जाएगी तो जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं जल्दबाजी के चक्कर में सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं करते हैं और यूनिट जो होती है डायोप्टर के अंदर होती है इस चीज का जरूर आप ध्यान रखें फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है उसको मीटर में जरूर कन्वर्ट कीजिए तब जाकर के आंसर पावर जो है ना वो डायोप्टर के अंदर आएगी ये जरूर आप ध्यान रखें तो आंसर इज माइनस वन पॉइंट फाइव डी करेक्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले कॉन्वेक्स yes. the तो लेंस ऑफ फोकोड ब्लैकेंस ट्वेंटी का कुछ पार्ट जो है ना आपने कवर कर दिया है ना ये ऑपेक्स सर्फेस है सकते, तो लाइट पास नहीं होगी लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसकी इमेज नहीं बनेगी बेटा देखो रिफ्रैक्शन अगर हो रहा है लाइट रे अगर रिफ्रैक्ट हो पा रही है तो सीधी सी बात है घटना घटेगी ना ऑप्टिकल इवेंट होगा तो इमेज पक्का बनेगी और कंप्लीट इमेज बनेगी कंप्लीट का मतलब अगर ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड है और इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे यहां से निकल रही है यहां से भी निकल रही है और अगर ये लाइट रे रिफ्रैक्ट हो रही है लेंस से निकल पा रही है ना इसका मतलब इमेज पक्का बनेगी कंप्लीट बनेगी ठीक है तो इसमें क्या कहा गया देखिए ओनली वन इमेज विल बी फॉर्मड बाय द लेंस द डिस्टेंस बिटवीन द टू इमेजेस फॉर्मड बाय सच ए लेंस इज 6 एमएम द डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस इज 4 एमएम द डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस इज 2 एम mm. आपने लेंस के

तो फिर ये लाइटें जाएंगी उसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग इमेज बनेगी इसके अकॉर्डिंग इमेज बनेगी फिर वो इमेज के बीच में सेपरेशन हो सकता है पॉसिबिलिटी है पूरी पूरी राइट तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट आ जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज टू लेंसेज ओके द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ वन इज फाइव ठीक है एंड द कंबाइंड मैग्निफाइंग पावर इज हंड्रेड द मैग्निफाइंग ऑफ द अदर लेंसेज ओके, okay. ठीक है इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा फॉल्ट है हल्का सा देखिए मैं एक्सप्लेन करूं इसमें ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपके पास और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं एक ऑब्जेक्टिव एक आईपीस अगर आपको ये दे रखा हो कि ऑब्जेक्टिव की का मैग्निफिकेशन स्मॉल एम ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन स्मॉल एम एम वन है और आई पीस का मैग्निफिकेशन एम टू है और अगर आपसे पूछे कि मैग्नीफाइंग पावर क्या कैपिटल एम क्या है तो कैपिटल एम आप सिंपली लिख सकते हो एम वन इंटू एम टू एम वन इंटू एम टू अगर आप फॉर्मूला पे जाएं फॉर्मूला पे चलें तो मैग्निफाइंग पावर कैपिटल एम होता है वी नॉट अपॉन यू वी नॉट क्या होता है जो जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर है ना उसमें जो इमेज फॉर्म होती है उसकी डिस्टेंस होती है v नोट और u नोट तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है तो v नोट अपॉन u नोट का मतलब तो सीधी सी बात है मैग्निफिकेशन ही तो हुआ किसका ऑब्जेक्टिव लेंस का तो वो m नोट हुआ इस पार्ट को आप m नोट बोल सकते हो और इनटू में अगर हम बात करें तो इनटू में रिलेशन आता है d बाय ue d बाय ue d क्या है 25 सेंटीमीटर होता है और ue क्या है है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई पीस है ना डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आईपीस ये वो वाली लेंथ होती है और अगर फाइनल इमेज की बात करें अपन फाइनल इमेज अगर आपको डी डिस्टेंस पर बनानी है कहां पे बनानी है डी डिस्टेंस पे क्योंकि हमें पता है मैग्नीफाइंग पावर जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो एंग्लोर मैग्नीफिकेशन या मैगनी पावर के लिए दो केस फेमस है एक तो रिलैक्सड आई वाला जिसमें फाइनल इमेज हम इनफिनिटी पर फॉर्म करते हैं और दूसरा केस है फाइनल इमेज हम कैपिटल डी डिस्टेंस पे फॉर्म करते हैं ठीक है तो कैपिटल डी डिस्टेंस फॉर्म करें तो कैपिटल डिस्टेंस मतलब जो पर बन रही है। और यू क्या होता है? ही तो होता है तो ये क्या पार्ट आ, ये आ गया एम लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस एम ई दिस पार्ट इज एम नॉट तो अगर आपको एम नोट और एम ई दे रखा हो तो आप डायरेक्ट ये वाली अप्रोच लगा सकते हो और इसमें ये कह रखा है कि जो कंबाइंड मैग्नीफाइंग पावर इज हंड्रेड सो दिस वैल्यू इज हंड्रेड और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ वन इज फाइव एक्चुअल में ये मैग्निफिकेशन है फाइव है तो आपको एम ई पूछा है या एम ई की वैल्यू दे दो एम ओ पूछा है आपसे एक वैल्यू पूछिए इसे डिवाइड कर दोगे तो एम ई की वैल्यू कितनी आ गई ट्वेंटी सो द आंसर इज ट्वेंटी ठीक है है ना रटना नहीं है इस चीज को एक बार समझ करके करो तो बड़ा आसान लगता है यह distance, okay, so okay, ये चीज ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले क्वेश्चन नंबर थर्टी व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस डी ओके सो द फाइनल इमेज इज फोड ऑन द ऑब्जेक्ट इट सेल्फ ओके हमसे यह पूछा है कि डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे कि जो इमेज है ना फाइनल इमेज वो ऑब्जेक्ट पर ही फॉर्म हो ऑब्जेक्ट पे ही फॉर्म हो ऐसा कैसे पॉसिबल है ऑब्जेक्ट पे कैसे फॉर्म हो सकता है आपको डी की वैल्यू यहां पर पूछी है राइट? Right? इस ऑब्जेक्ट के लिए बात करें, अगर आप गोर से, तो ये टेन सेंटीमीटर ये, ये तो सेंटीमीटर है, है।, है तो हमें अच्छे से पता है लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरल जाएंगे रिफ्लेक्शनल जाएंगे ठीक है क्योंकि ये इस

इसका मतलब अगर मैं इस लेंस के लिए फॉर्मूला लगाऊ वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एप बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हो ध्यान से गौर से समझना वन अपॉन वी इस लेंस से जो इमेज बनेगी वो यहां बननी चाहिए मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट कितना डिस्टेंस है देखिए टेन प्लस डी राइट यही तो डिस्टेंस है टेन प्लस डी और टेन प्लस डी और एक चीज इसको हालांकि मुझे कैलकुलेट नहीं करना चाहिए इतना ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट भी कर सकते हो

बस अब लगाना है प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है फिफ्टीन सेंटीमीटर तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज बेटा कुछ इस तरफ जाएंगी रिफ्रैक्ट होंगी ठीक है म्यू टू जिसमें लाइटरेज जा रही है और म्यू वन जिससे लाइट रे आ रही है, है ना प्रॉपरली लगाइए आप तो म्यू टू किस में जा रही है ग्लास में एंड ग्लास का रिफ्रैक्ट मेरे थ्री बाई टू है सो थ्री बाई टू ठीक है म्यू टू बाई वी वी फाइन करना आपको पता करना है उसमें कोई साइन मत लगाइए माइनस म्यू वन बाई यू जिससे आ रही है म्यू वन है एयर मतलब वन

तो इस सरफेस का सेंटर इधर है तो आपको मेजर जो करनी है डिश्नस यहां से मेजर करनी तो इधर जाओगे ना तो थर्टी सेंटीमीटर आपको गिवन है अगेन रीड कर लेते हैं यस थर्टी सेंटीमीटर है प्लस का थर्टी राइट प्लस थर्टी बस इसको सॉल्व करना और वी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहां से तो इसको सॉल्व करते हैं चलिए थ्री बाई टू वी आ जाएगा प्लस का वन बाई फिफ्टीन इसमें देखें तो थ्री बाई टू माइनस वन कितना आएगा वन बाई टू आ जाएगा वन बाई टू एंड थर्टी तो वन बाई सिक्सटी हो गया ये ठीक है वन बाई सिक्सटी हो जाएगा सो वन बाय सिक्सटी और प्लस का वन बाई फिफ्टीन इधर जाएगा तो माइनस का वन बाई फिफ्टीन इसका एलसीएम लोगे तो सिक्सटी आ गया ये वन माइनस तो कितना आ गया फोर ठीक है तो माइनस का माइनस का थ्री बाय सिक्सटी मतलब कितना है माइनस का वन बाई ट्वेंटी ठीक है माइनस थ्री बाई सिक्सटी मतलब माइनस का वन बाय ट्वेंटी आ गया अब माइनस वन बाई ट्वेंटी जो थ्री बाई टू वी के इक्वल इसको टू से कट कर दो ये टेन इधर जाएगा वी ये टेन इधर चला जाएगा तो वी इज इक्वल टू माइनस थर्टी सेंटीमीटर माइनस थर्टी सेंटीमीटर क्या इंडिकेट कर रहा है

ज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट हुआ सेंटीमीटर कोमा माइनस टू सेंटीमीटर आपको पार्टिकल का पार्टिकल इस है कुछ इस रीजन में एंड वाई नेगेटिव मतलब पार्टिकल नीचे इसका मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो कुछ इस तरफ है सो दिसमीटर दिस लेंथ इज टू सेंटीमीटर राइट लेंथ सिंपल डिस्टेंस तो अब इसको करें कैसे अब क्या पूछा इसमें द द ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट दी विद टू ओरिजिन इज अब आपको इमेज पता करनी है इमेज के कॉर्डिनेट क्या होंगे ध्यान दीजिएगा यहां पर ऑब्जेक्ट एक पॉइंट है ये वाला तो इस पॉइंट को एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बना सकते हो या पॉइंट की हाइट जो है वो तो हमें पता ही है यहां पे तो एक काम करता हूं मैं यहां पे एक एरो बना देता हूँ बना दिया हमें एरो के टिप से मतलब है ठीक है टिप से मतलब इस पॉइंट से तो इस एरो की हाइट कितनी होगी टू सेंटीमीटर चलो लगा दें फॉर्मूला पहले तो अपना जो साइन कन्वेंशन है उसे सॉल्व करो तो साइन कन्वेंशन हम जानते हैं सेन अपॉन टू की बात करें अगर अपन तो पता करना है यू की बात करें यू है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आएगा देखो ट्वेंटी सेंटीमीटर ये इंसिडेंट रे के क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर है इंसिडेंट रे के अपोजिट जाओगे ना विच इनस ट्वेंटी ट्वेंटी रखना पड़ेगा फोकल लेंथ कितनी है कॉन्वेक्स फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो वन अपॉइंटेन तो यहाँ पे देखो वैल्यू कितनी आएगी टू वन पॉइंट टेन ये प्लस लेकिन इधर जाएगा माइनस हो जाएगा सो वन पॉइंट टेन माइनस वन पॉइंट ट्वेंटी ट्वेंटी आएगा सो वी इज इक्वल टू ट्वेंटी सेंटीमीटर प्लस का ट्वेंटी सेंटीमीटर तो इमेज जो फॉर्म होगी वो इस तरफ फॉर्म होगी प्लस मतलब रियल इस तरफ इमेज फॉर्म होगी इंसिडेंट रे के अलॉन्ग ये तो कन्फर्म हो गया ट्वेंटी मतलब कुछ इधर ही बनेगी ठीक है और वैसे डायरेक्ट भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं खैर मैं वो बाद में देखेंगे मैग्नीफिकेशन की बात करें एम बराबर वी बाई यू

सही है तो दिस लेंथ इज 20 एंड दिस लेंथ इज 2 सेंटीमीटर तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस इमेज पॉइंट इमेज इज 20 कॉमा टू खत्म हो गया ना तो आंसर क्या आ जाएगा ट्वेंटी कॉमा टू आ जाएगा तो थर्ड ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट कैसे करते हैं देखो कॉन्वेक्स लेंस के अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट 2f डिस्टेंस पे रखा होता है तो इमेज भी 2f डिस्टेंस बनती है सेम साइज होती है इन्वर्टेड होती है रियल होती है तो अगर आपको ये पॉइंट्स मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत फटाफट कर सकते थे है ना डाटा की हेल्प से जैसे इसकी फोकल एंड टेन सेंटीमीटर है और कितना डिस्टेंस पे आपने रखा ट्वेंटी सेंटीमीटर तो यहीं से ही क्लियर हो गया कि टू पे रखा है और कितना नीचे रखा है टू सेंटीमीटर जिसका मतलब इमेज भी टू पे बनेगी तो मतलब ट्वेंटी पे बन गई और इमेज कैसे सेम साइज होनी चाहिए इसका मतलब टू सेंटीमीटर है तो टू सेंटीमीटर बनेगी और इन्वर्टेड होती है उल्टा होती है तो इसका उल्टा मतलब सीधा हो जाएगा

प्रिज्म एंगल हमें इस क्वेश्चन में पता करना है यहां पर ए की वैल्यू फाइंड करनी है राइट right? अच्छा डेल्टा का रिलेशन क्या होता है डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस ए होता है है ना पक्का अच्छा इन दोनों पॉइंट्स के लिए अगर हम बात करें इस पॉइंट के लिए आई कितना है 15 और इस पॉइंट के लिए आई कितना है 60 है और डेल्टा कितना 30 तो मैं एक काम करता हूं ये पॉइंट 15 लिख देता हूं यहां पे

ध्यान से देखना इसका मतलब अगर लाइट रे को मैं आई एंगल से इंसिडेंट करवाऊं तो एंगल ऑफ एमरजेंस जो है वो ई है एंड एंगल ऑफ डेल्टा करेक्ट अगर मैं इस लाइट रे की डायरेक्शन को अगर मैं इस लाइट रे की डायरेक्शन को पलट दूं अपोजिट कर दूं रिवर्स कर दूं तो लाइट रे यूं जाएगी फिर यूं फिर यूं लाइट रे अपने पाथ को रिट्रेस करेगी बेटा लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे लाइट अपने पाथ को रिट्रेस करेगी वापस निकल जाएगी तब ई जो है ना वो तो हो जाएगा आई वो तो हो जाएगा आई और आई हो जाएगा ई है ना इसीलिए जो जो ग्राफ ग्राफ होता है ना ये वाला ग्राफ, ये वाला यहां पे कर रखा है ये ग्राफ ऐसा है कुछ इसमें डेल्टा की जो वैल्यू होती है सेम वैल्यू के लिए यहां पर अगर मिनिमम डेविएशन का केस ना लें तो सेम वैल्यू के लिए ध्यान से देखना ये आई है यहां पर लेट्स से दिस आई इज सपोज थर्टी डिग्री एंड ई इज फोर्टी फाइव डिग्री मान लिया मैंने ठीक है तो यहां पे ये वाला आई मान लीजिए थर्टी डिग्री है और ई e यहां पर फोर्टी फाइव डिग्री है और डेल्टा ये है कुछ अगर मैं लाइट रे की डायरेक्शन को पलट दू अपजिट भेजू तो अब ये आई हो जाएगा मतलब फोर्टी फाइव हो जाएगा और ई e कितना हो जाएगा थर्टी हो जाएगा समझ रहे हो और डेल्टा की वैल्यू सेम ही रहेगी डेल्टा तो सेम ही आएगा ना दोनों केस में इसका मतलब डेल्टा सेम तो ये वाले पॉइंट के लिए पक्का आई पक्का फोर्टी फाइव होगा और ई पक्का थर्टी हो जाएगा तभी ये दो पॉइंट्स मिले अपन को समझे बात को ये इसका मतलब वाला आई है और यहां जो ई थर्टी लिया है वो एक्चुअली में यहां वाला आई है तो हमको यहां पर देखिए आई दे है फिफ्टी डिग्री और यहां वाला आई 60 है। इसका मतलब यहां पे जो ई हो होगा ना वो सिक्सटी होगा और यहां पे जो यहां पे जो ई e होगा वो फिफ्टीन होगा समझ रहे हो यहां वाले पे तो अगर मैंने ये वाला पॉइंट लिया है तो यहां पर मैंने आई तो e की वैल्यू फिफ्टीन रखी तो ई की वैल्यू पक्का पक्का सिक्सटी होगी समझ में आई समझ में आई बात तो ये वाला एंगल बेटा सिक्सटी आ जाएगा अब सिक्सटी आ गया तो ए इधर ले ए बराबर फिफ्टीन प्लस सिक्सटी माइनस थर्टी

और का कितना है साइड में क्या आएगा अपन तो को मैं पूरे को एक्स मान लेता हूं क्योंकि आप लिक्विड के अंदर जब इमर्ज करोगे तो आर वन आर टू में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है तो वो एज रहेगा ये मैंने सही लिखा है यहां पर ओके okay. और वन अपॉन एफ एयर जो है वो पावर है थ्री डायोप्टर है भाई इसका मतलब इसको मैं थ्री लिख सकता हूं यहां पर डायरेक्ट

सिंपली इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है डिवाइड करोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा यहां से तो देखिए डिवाइड करो यहां पर तो डिवाइड करोगे ये आएगा माइनस में और म्यू एस माइनस वन आएगा एंड देन फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं डायरेक्ट तो देखो कितना आएगा देखो थ्री इन टू में वन पॉइंट टू फाइव बाई म्यू एस माइनस वन और ये माइनस का टू है तो बेटर रहेगा इधर की तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे अपन अच्छा 1.25 पॉइंट टू फाइव माइनस वन जो है पॉइंट टू फाइव बचेगा इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट टू फाइव टू से तो पॉइंट फाइव जीरो आएगा वो भी माइनस में तो माइनस का पॉइंट फाइव जीरो आ गया अब थ्री इं टू वन पॉइंट टू फाइव बाई म्यू एस और ये माइनस का थ्री है इसको इधर मल्टीप्लाई करो माइनस का थ्री इधर ले जाओ तो प्लस का थ्री आ जाएगा प्लस का थ्री और माइनस का जीरो पॉइंट टू फाइव तो कितना आ जाएगा टू पॉइंट फाइव आ जाएगा सिंपल ठीक है तो तो अब एस को इधर ले जाइए तो आपके पास थ्री इन टू वन पॉइंट अपॉन में टू पॉइंट फाइव खत्म का टू टाइम्स टू पॉइंट फाइव होता है ना टू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इतना रिफ्रैक्टिव तो मतलब तो इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज वन पॉइंट फाइव तो थर्ड ऑप्शन इसका बेटा करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आइए

फाइंड द मैक्म डेफ्थ बाई द रे इन साइड द स्लैब ओके नीचे जाने पर लगातार म्यू डिक्रीज हो रहा है ठीक है तो एक चीज है डिक्रीज हो रहा है मतलब म्यू चेंज हो रहा है और जो नॉर्मल होता है ना नॉर्मल हमेशा इंटरफेस के प्रपेंडिकुलर होता है तो जैसे यहां पर अगर मैं कोई लाइन ड्रो कर दूं तो लाइन के ऊपर म्यू ज्यादा है नीचे म्यू कम है तो नॉर्मल तो ऐसा ही बनेगा ना ये इंटरफेस हो गया नॉर्मल ऐसे बनेगा तो लाइट रे अगर यूं आई सपोज इस मीडियम पे तो नीचे वाला मीडियम का इंडेक्स ज्यादा है या ऊपर वाले का नीचे ऊपर वाले का ज्यादा है नीचे जाने पे म्यू डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी मतलब इस तरह बैंड हो गई लेकिन ये जो म्यू है है ना वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है 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 ना डिक्रीज हो रहा है। तो कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा तो लाइट रे कंटिन्यूसली यूं बैंड होती जाएगी समझ आई ना बात तो थोड़ा पिक्चर आपको क्लियर हो रहा होगा यहां पर लाइट रे कंटिन्यूसली बैंड होगी यहां पर यह नॉर्मल है यूं लाइट रे आई ये वाला एंगल आपको दे रखा है सिक्सटी डिग्री तो लाइट रे कुछ कंटिन्यूसली इसमें बैंड होती जाएगी कुछ ऐसे करके और यूं यूं बैंड होगी और एक केस ऐसा आएगा जब लाइट रे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नाइन्टी डिग्री एंगल पे अमरज होगी एंड देन फिर फाइनली क्या होगा लाइट रे वापस लाइट रे यूं बैंड हो जाएगी यूं करते हुए वापस चली जाएगी और फिर कुछ ना किसी पॉइंट से वापस हो जाएगी, ठीक है तो ये देखो यू आई लाइट रे एंड यहाँ पे पहुंचेगी एंड फिर वापस यू चली जाएगी तो एक चीज ये हो गई कि इस पर, ध्यान से देखना, इस तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और इस पोजिशन पर जो म्यू की वैल्यू है उसको मैंने म्यू लिख दिया समझ रहे यहाँ पर म्यू है ठीक है ये हमारे पास यहाँ पर केस आ गया अब इसको सॉल्व कैसे करें कैसे फाइंड करेंगे कितनी है मैक्सिमम डेफ्थ हुई इसके बाद में लाइट रे वापस आ जाएगी है ना? क्योंकि ऐसे बैंड हुई फिर वापस नॉर्मल की तरफ बैंड होने लग जाएगी और वापस आ जाएगी अब ये कैसे फाइंड करें? एक बहुत ही कॉमन सी चीज है जो कि आपको सभी को ध्यान रखनी चाहिए। देखो बेटा जब भी स्लैब अपन पैरल कंसिडर करते हैं ध्यान देना, स्लैब। और लाइट रे मान लीजिए यहां से एंटर करती है ये वाला एंगल आई है जिस मीडियम से आ रही है उस मीडियम का इंडेक्स मान लीजिए बाहर निकलेगी रे ऐसे मुड़ सकती, ऐसे, मुड़ सकती, जाएगी, ऐसे करके और रे जिस मीडियम में बाहर निकल रही है उस मीडियम का रिफेक्ट मानी म्यू टू है यहां पे म्यू टू है और यहां से रे यू निकली बाहर ये वाला एंगल आर है अगर स्लैब पैरेलल है ध्यान देना पैरेलल है तो डायरेक्ट

अब लाइटर यहां से एंटर करती है ये आई है यहां पे रिफ्रैक्ट हुई ये वाला आर वन हुआ यहां पे ये यह वाला भी आर वन होगा फिर लाइटर यहां से इधर चलेगी ये वाला आर टू हुआ चलो मैं डायरेक्ट मैं इस वाले और इस वाले के लगा के दिखाता हूँ ठीक है इस वाले के देखते हैं तो अगर आप इस पे स्नैल स्लो लगाओगे इसका मीडियम का रिफ्रेक्ट मान लीजिए म्यू वन है इसका म्यू टू है इसका म्यू थ्री है तो स्नैन स्लो अगर मैं इस वाली सर्फेस पर लगाऊँ तो क्या लिखूंगा म्यू वन साइन आई बराबर

बराबर यहां आ जाओ यार इफेक्ट नेक्स म्यू है म्यू इंटू साइन 90 नाइन्टी हो गया ना तो म्यू इंटू साइन 90 नाइनटी की वैल्यू वन होगी साइन सिक्सटी की वैल्यू हम जानते हैं रूट थ्री बाई टू होती है और एक्स डेफ पर म्यू की वैल्यू इतनी है तो रूट थ्री माइनस वन बाय रूट थ्री एक्स आ गया अब ये रूट थ्री को आप इधर ले जाइए इसको पॉजिटिव कर दो तो रूट थ्री माइनस रूट थ्री टू ये इधर आ जाएगा रूट थ्री माइनस रूट थ्री बाई टू कितना बचेगा ही तो बचेगा, ठीक तो तो so है तो रूट थ्री एंड रूट थ्री रूट थ्री हो जाएगा एक्स बराबर थ्री बाई टू थ्री बाई टू मीन सो दू वन ये आई थिंक मीटर है तो मैक्सिमम जो डेफ्थ आई लाइट है जो यूं फाइनली मुड़ेगी तो डेफ्थ आ जाएगी आ चुकी है, पास, meter, है ना था ना प्यारा क्वेश्चन तो इस इसमें हमने पैरल स्लैब वाला वो कॉन्सेप्ट हमने एक बार रिवाइज कर लिया तो ये चीज जरूर आप ध्यान रखें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ओके okay. कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर यस एंड अनदर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड को सी फिगर ठीक है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉन्वेक्स लेंस आपको नजर आ रहा है यहां पर ठीक है द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज सिल्वर्ड ऑन द प्लेन सर्फेस इसको सिल्वर कर दिया यहां पर वाट शुड बी द डिस्टेंस डी इन सेंटीमीटर सो दट द फाइनल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ इज फॉर्म ऑन ओ इट बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये देखो जब भी इमेज ऑब्जेक्ट पे ही बने ना ठीक है तो और मिरर कहीं ना कहीं आ रहा हो प्रश्न में है ना मिरर कहीं ना कहीं दे दिया हो आपको तो आप ये ध्यान रखो इसमें लो ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे का कॉन्सेप्ट लग सकता है मतलब लाइट रे जब भी मिरर पर नॉर्मल इंसिडेंट होती है ना मीर है जैसे ऐसे भिड़ेगी तो वापस लाइट रे पलट जाएगी वापस आ जाएगी करेक्ट अपने पाथ को रिट्रेस करेगी एंड फाइनली जहां से स्टार्ट हुई थी ना वहीं पर पहुंच जाएगी वो अब जैसे ये ऑब्जेक्ट है ठीक है अब आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचना कि इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर और ये फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर है यहां पर ठीक है 20 सेंटीमीटर है तो हमें यहां पर ये चेक करना बहुत जरूरी है कि इससे जो इमेज बनेगी क्योंकि ये क्लियरली नजर आ रहा है वर्चुअल इमेज बनेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है टेन सेंटीमीटर फोकल एंड ट्वेंटी सेंटीमीटर है तो इमेज कहां पे बनेगी इस लेंस के अकॉर्डिंग इमेज बनाते हैं अपन सबसे पहले ठीक है फिर थोड़ा आइडिया लगाते हैं तो लेंस फर्स्ट लेंस के लिए बात करें वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू यहां पे इंसिडेंट रहे कि अपोजिट जाओगे तो माइनस का टेन जाएगा बराबर वन अपॉन एफ एंड एफ इज ट्वेंटी ट्वेंटी रख दो तो यहां से वन अपॉन वी या आ जाएगा वन अपॉन ट्वेंटी माइनस वन अपॉइंट टेन सोल्व करोगे तो वी की वैल्यू आ चुकी है माइनस का ट्वेंटी सेंटीमीटर तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है ना वो माइनस ट्वेंटी सेंटीमीटर है मतलब कहीं ना कहीं यहां पे है ये किससे इमेज बनाई हमने लेंस से इस वाले लेंस से है ना इस वाले लेंस से तो इसका मतलब इस लेंस से जो लाइट रे ऐसे जाएगी उसके बाद में ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये यूं यहां पर कहीं ना कहीं हमें इमेज की फील करवा रही है यहां पर ठीक है और अब हमें डी की वैल्यू निकालनी है अब D कैसे कैलकुलेट करें एक तो मैंने तरीका जो बताया कि लाइट रे मिरर पर परपेंडिकुलरली अगर इंसिडेंट हो जाए तो काम बन जाए यहां पर है ना तो ध्यान से आप देखना ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है और ये डिस्टेंस आपके पास है ट्वेंटी सेंटीमीटर ठीक है अब मैं इसको रब कर देता हूं ठीक है अब मैं आता हूं इस लेंस पे अब इस लेंस की बात करें अगर आप ठीक है ध्यान से देखना आप थिन लेंस है ये इस पे लाइट रे कुछ ऐसे आएंगे ना यूं मतलब मैं अगर इस इमेज को ही शो करूं यहां पर ये यह जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी यहां पे मैंने इमेज बना दी ये डायग्राम अलग है ठीक है इमेज मैं ले लेता हूं यहां पर और इमेज की यहां से डिस्टेंस कितनी है वो है ट्वेंटी प्लस डी है ना डिस्टेंस सिंपल ट्वेंटी प्लस डी आ चुकी है इसका मतलब इस लेंस के लिए लाइट पे कुछ ऐसे जा रही है ठीक है अब लेंस नहीं लेंगे अपन क्योंकि मैं एक फेरिकल सर्फेस ले रहा हूं एक तो और इस स्पेरिकल सर्फेस का आपको जीवन है क्या आ, फोकल लेंथ आई थिंक है ना फोकल लेंथ आपको गिवन है विच इज 40 सेंटीमीटर ठीक है तो इस लेंस की इस सरफेस पर लाइट रे इंसिडेंट हुई तो ये लाइट रे इस लेंस को क्रॉस करने बाद इस सरफेस को क्रॉस करने बाद ऐसे जानी चाहिए और फिर ये मिरर है मिरर पे इंसिडेंट होगी है ना और ये इससे टकराने के बाद वापस यूं आ जाए तो वापस अगर यूं आएगी तो वापस अगर

जब भी किसी लेंस को एक सरफेस को आप सिल्वर कर देते हो पॉलिश कर देते हो आप तो वो लेंस एक इफेक्टिव मिरर की तरह बिहेव करता है और उस मिरर की क्योंकि लेंस पे जब लाइट रे जाएंगी तो एक साइड तो सिल्वर्ड है पॉलिश है लाइट डेफिनेटली रिफ्लेक्शन के बाद में वापस आएंगी आएंगी तो वो एक इफेक्टिव मिरर की तरह बिहेव करता है और उस मिरर की जो फोकल लेंथ होती है ना वन अपॉन एफ इज इक्वल टू अपन इस फॉर्मूला से बेटा बताते हैं अपॉन न अपॉन एफ एम माइनस टू बाई एफ एल ठीक है ये फोकल लेंथ होती है उस इफेक्टिव मिरर की अब क्या ये फोकल लेंथ अपन निकाल सकते हैं बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कैसे देखो इसको मैं रब करूं तो ये वो ये वाला लेंस है देखो तो इस ये एक इफेक्टिव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है तो इसकी फोकल लेंथ निकालनी है इफेक्टिव मिरर जो बनेगा ना इसकी इसकी जगह उसकी फोकल लेंथ निकालनी तो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन एफ एम एफ एम होता है, है ना जिसको पॉलिश किया आपने सरफेस को, ये प्लेन तो, तो, और वैल्यू रखनी है, FL. FL है जो लेंस है जिस लेंस के साथ ये मिरर आपने अटैच किया है एक तरीके से तो वो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी ऑब्वियसली पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव रखना है और वैल्यू कितनी गिमन आपको फोर्टी सेंटीमीटर प्लस फोर्टी सो वी है सो so, f इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी सेंटीमीटर तो ये एक इफेक्टिव मिरर की तरह बिहेव करेगा और मिरर की अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है कौन के मिरर की तरह बिहेव करेगा करेक्ट तो so, ये जो असेंबली है ना इस असेंबली को अपन इस वे से अरेंज कर सकते हैं देखिए ध्यान से तो so, हमारे पास वैल्यू ट्वेंटी आ चुकी है तो वापस मैं इसको रीड्रॉ करूं डायग्राम को ये लेंस है और ये क्वनके मिरर की तरह बिहेव करेगा और क्वन के मीर की जो फोकल लेंथ है वो कितनी आ चुकी है ट्वेंटी सेंटीमीटर माइनस में है ऑब्वियसली पर आपको ये डिस्टेंस दी दे रखी है बेटा ठीक है ध्यान से देखना और ये ऑब्जेक्ट है यहां पे ऑब्जेक्ट है वो इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे जो हमने ली थी अभी उसके अकॉर्डिंग ये लाइट रे यू डाइविएट हुई थी और इसकी जो इमेज बनी थी वो हमने अभी अभी फाइंड की थी ड्यू टू दिस रिफ्रैक्शन विच इज ट्वेंटी सेंटीमीटर राइट ट्वेंटी सेंटीमीटर आई थी अब ये लाइट रे अगर इस मिरर पर नॉर्मल इंसिडेंट होती है परपेंडिकुलरली तो पक्का लाइट रे अपने पाथ को रिट्रेस करेगी एंड फाइनली फाइनली इमेज ओपे बन जाएगी इसका मतलब 90 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट होनी चाहिए बेटा अब आप थोड़ा लॉजिकली सोचना किसी मिरर पे लाइट अगर 90 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट हो रही है दैट मीन्स वो पक्का नॉर्मल का, का काम करेगा नॉर्मल और नॉर्मल अगर है तो नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट करता है वो उसका सेंटर होता है मीर का और ये लेंथ कितनी है आपके पास ट्वेंटी सेंटीमीटर बेटा ठीक है दिस फोकल लेंथ इज ट्वेंटी सेंटीमीटर फोकल लेंथ सेंटीमीटर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा मीर का टू टाइम्स फोर्टी सेंटीमीटर आर बाई टू होती है ना फोकल लेंथ

क्वेश्चन नंबर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे नीट के अंदर ठीक है नीट में या जेई मेंस में बात करें जेई मेंस में पॉसिबिलिटी पूरी बनती है आ सकते हैं लेकिन नीट के अंदर डेफिनेटली इस पर क्वेश्चन नहीं बनेंगे अगर क्वेश्चन ऐसा आता भी है तो उसमें म्यू वगैरह रिफ्ट वगैरह दे रखा होता है तो हम स्टेप बाय स्टेप करके इसको सॉल्व कर सकते हैं सक्सेसिव रिफ्लैक्शंस रिफ्लेक्शन के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाकी ऐसे नहीं आएगा ठीक है चलिए फिर भी नॉलेज वाइज अगर हम बात करें तो इस वे से इस क्वेश्चन को अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप कर सकते हो So, कोई ज़्यादा भी नहीं है तो आप इसको याद भी रख सकते हो प्लेन मिरर इज प्लेसिंग टूवर्ड्सिवीर स्पीड ऑफ टू सेंटीमीटर वेलोसिटी वन सेंटीमीटर पर सेकेंड आई कैप प्लस वन सेंटीमीटर पर सेकंड जे कैप देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा आपसे तो ये एक सिंपल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपको mirror जो दे रखा पर है facing towards negative x -axis, मतलब mirror कुछ ऐसे रखा हुआ है आपने और वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ फेस कर रहा है इसका मतलब उसका जो नॉर्मल है ना ये वाला डायरेक्शन वो माइनस आई कैप है normally इस तरफ है बेटा ठीक है y एक्सिस जो है विद स्पीड टू सेंटीमीटर पर सेकेंड तो y एक्सिस आप ऊपर की तरफ मान सकते हो तो ये टू मीटर टू सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहा है ठीक है तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं वेलोसिटी ऑफ मिरर वेलोसिटी ऑफ मिरर इज टू सेंटीमीटर अलोंग वाई डायरेक्शन सो वी एम वैक्टर इज टू जे कैप इन वैक्टर फॉर्म मैंने टू जे कैप लिख दिया यहां पर A point in front of the with the होगा डेफिनेटी मीर के सामने फ्रंट में तो एक तो इसकी वेलॉसिटी सॉरी ऊपर की तरफ है ठीक है तो इसको मैं लिख देता हूं यहां पर वेलॉसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 आई कैप

तो सब टेक करूंगा तो आई प्लस जे माइनस टू जे मतलब है कि, I J तो के रेस्पेक्ट में फ्रीज तो मतलब कर, कर, तो कर, कर दिया तो मिरर को फ्रीज करने का मतलब ऑब्जेक्ट की जो मिरर के रेस्पेक्ट में है, वो आई कैप मतलब कुछ इधर है और माइनस जे मतलब कुछ इधर है वाई तो ऊपर था तो ऑब्जेक्ट इधर है और सेम पे इमेज बनती है तो इमेज की जस्ट अपोजिट हो जाती है ये वाली इधर की तरफ और ये वाली वेलोसिटी एज सेम रहती है इसका मतलब इमेज की इमेज की वेलोसिटी विद टू मिरर वो कितना ये तो जो कि माइनस जे कैप था ऑफ so, इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर इज माइनस आई कैप माइनस जे कैप सेंटीमीटर पर सेकेंड करेक्ट ये वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गया विद रेस्पेक्ट टू मिरर ओके तो लेकिन ये इमेज की वेलोसिटी नहीं आई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर आपको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी चाहिए तो सिंपल है आपको वी आई वैक्टर अगर फाइंड करना है ना तो वी आई एम वैक्टर इज वी आई माइनस वी एम देन वी आई इज इक्वल टू वी आई एम प्लस वी एम सो वी आई वैक्टर इज वी आई एम प्लस वी एम वैक्टर सो वी आई एम हियर वी आई एम इज माइनस

तो ये रिलेटिव मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन था इसमें प्लेन मिरर का बस इतना सही है कि आपको मिरर चाहे प्लेन मिरर दे रखा हो चाहे स्पैरिकल uh, मिरर दे रखा हो चाहे लेंस दे रखा हो पहला काम आपको यही है वी एम निकालना है मिरर है तो वीओ एम हो जाएगा लेंस है तो वी ओ एल हो जाएगा वीओ एल निकालिए उसको सॉल्व कीजिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ए प्लेन मिरर अप्रोचेज ए स्टेशनरी पर्सन विद सम एक्सेलरेशन ए द एक्सेलरेशन ऑफ हिज इमेज एज सीन बाय द पर्सन विल बी

तो इक्विलेटर ट्रायंगल बनेगा थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 60 डिग्री फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आइए द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट एंड द एमर्जेंट रे इज नॉन एज लैटरल शिफ्ट एंड लैटरल शिफ्ट इज d is t cos r (sin i r) इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वेरी स्मॉल स्मॉल सिंपली वेरी स्मॉल देन तो हमें करेक्ट ऑप्शन यहां पे बताना है और आंसर जो है वो t i में आ सकता है और μ में आ सकता है एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये शिफ्टिंग है बेटा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा है इज वेरी वेरी स्मॉल तो आर भी छोटा होगा तो अगर आई और आर छोटे हैं ना तो हमको अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ सकता है तो जैसे theta sin theta थीटा छोटा होता है और को थीटा वन हो जाता है भाई तो देखो डी बराबर यहां पर कितना है देखो टी साइन आई माइनस आर आई छोटा है आर भी छोटा है और I -R और भी छोटा हो जाएगा इसके साइन आई माइनस आर को सिंपली आई माइनस आर लिख सकता हूं मैं और कोस आर को लिख सकता हूं वन थीटा छोटा है आर छोटा है तो को सर्वन हो जाएगा ये आ गया देखो अब इसमें आई ऑप्शन तो में मिल रहा है आर नहीं पता आर निकालना है तो आप सरफेस पे आओ उस स्लैब पे आओ ये नॉर्मल है शिफ्टिंग वाला पार्ट एनसीईआरटी के अंदर है बेटा तो वो पार्ट जरूर आप कवर करें ये वाला एंगल आई है यहां पर ये एयर है यहां पर रिफ्रेक्टेक्स म्यू है लाइट रे इसके अंदर रिफ्रैक्ट हुई ये वाला एंगल आर है स्नेल्स स्नेल्सलो लगाओ इन दोनों सरफेस के लिए क्या आएगा वन इंटू साइन आई बराबर म्यू इंटू साइन आर एंड वी नो दैट आई और आर दोनों ही छोटे हैं छोटे हैं तो इसमें भी अप्रोक्सिमेशन लिख सकते हो साइन आई लगभग आई हो जाएगा ये म्यू और साइन आर लगभग क्या हो जाएगा आर हो जाएगा हो गया अब यहां से आर की वैल्यू कितनी आ गई आई बाई म्यू आई बाई म्यू आ जाएगी वो आर की वैल्यू यहां रख दो आप तो डी इज इक्वल टू टी ब्रैकेट में आई माइनस आर की जगह क्या रख दोगे आई बाई म्यू सो डी इज इक्वल टू टी आई ब्रैकेट में वन माइनस वन अपॉन म्यू खत्म तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन यहां पे करेक्ट करेक्ट हो हो जाएगा beta, हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन बेटा ठीक है क्योंकि I इसके अंदर आ रहा है है ना तो ये चीज भी आप जरूर ध्यान रखें अप्रोक्सीमेशन लेना है ना अप्रोक्सीमेशन लिया जा सकता है ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जिनमें अप्रोक्सीमेशन हम ले सकते हैं तो एंगल अगर काफी स्मॉल होता है ना तो स्नेल्स लोग जो लगाते हैं उसके अंदर साइन आई को आई लिख सकते हो साइन आर को आर लिख सकते हो सिंपल देन आई इज इक्वल टू म्यू इन आर हो जाता है ठीक है

तो एक स्लैब है है ना 20 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस से है ये स्लैब ले लिया मैंने ठीक है दिस लेंथ इज 20 सेंटीमीटर म्यू आपको इसका दे रखा है 1.5। पॉइंट इज कैप्ट इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर प्लेन मिरर के सामने इसको फ्रंट में रखा है आपने ठीक है चलो थोड़ी कलाकारी कर लेते हैं इस कैप्ट इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर के सामने आपने रख दिया ओके दिस इज प्लेन मिरर। एन ऑब्जेक्ट इज कैप्ट इन एयर एट डिस्टेंस ऑफ फोर्टी सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ओके फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर नियर द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर नियर द ऑब्जेक्ट तो फाइनल इमेज की पोजिशन हमें बतानी है ठीक है तो ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है बेटा और ये वाली डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है फोर्टी सेंटीमीटर ठीक है अब इस क्वेश्चन को कैसे करें ऑब्जर्वर यहीं बैठा है और उस ऑब्जर्वर को जो इमेज मिलेगी है ना उस इमेज उस को उसको देखना है और वो इमेज उसको कहां दिखेगी वो पता करना है ठीक है फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर नियर द ऑब्जेक्ट मतलब इससे ही हमको इमेज बतानी कितना डिस्टेंस पे मिलेगी करेक्ट ठीक है ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास अब हम क्या करें देखो पैरल स्लैब होती है ना पैरेलल स्लैब से जब लाइट रे पास हो जैसे ये ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट से लाइट रे आई यूं आई दो बार रिफ्रैक्शन होगा होगा ना इन दो बार रिफ्रैक्शन से जो फाइनल इन दो रिफ्रैक्शन से जो इमेज बनती है ना उस इमेज की शिफ्टिंग होती है इस ऑब्जेक्ट से ओ से और वो शिफ्टिंग बेटा हम इस तरीके से देते हैं टी ब्रैकेट में वन माइनस वन अपॉइंट व्यू ये आप ये याद रखें ध्यान रखें किसी स्लैब से जब हम रिफ्रैक्शन लेते हैं दो बार तो उससे जो इमेज बनती है उस इमेज की ऑब्जेक्ट से जो डिस्टेंस होती है ना जो शिफ्टिंग होती है वो शिफ्टिंग टी ब्रैकेट में 1 -1 होती है, दो बार रिफ्रैक्शन की तो यहां पर तो मतलब तो मतलब बात समझे तो इस स्लैब से जो इमेज बनेगी उसकी शिफ्टिंग ट्वेंटी बाई थ्री याद रखें साइड में रख दें ट्वेंटी बाई थ्री इसका यूज आएगा तो इसका मतलब इस लाइट रे का रिफ्रैक्शन जो होगा उस रिफ्रेक्शन के बाद में जो इमेज बनेगी वो ट्वेंटी बाई थ्री डिस्टेंस बनेगी तो मिरर से फोर्टी है तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी आएगी वाली मिरर से रिमेनिंग आएगी फोर्टी माइनस ट्वेंटी बाई थ्री और फोर्टी माइनस ट्वेंटी बाई थ्री अगर हम देखें यहां पर तो कितना आएगा ये ये आ जाएगा वन ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी मतलब हंड्रेड बाई थ्री सो द डिस्टेंस इज हंड्रेड बाई थ्री राइट तो अब ये प्लेन मिरर के लिए ये जो इमेज बनी है ये ऑब्जेक्ट काम करेगी तो प्लेन मिरर से उतना ही सेम परपेंडिकुलर इमेज बनती है बेटा तो ये 100 3 पे यहां पे फॉर्म हो गई यहां पे फॉर्म हो गई ठीक है ये इमेज यहां बन चुकी है अब क्या होगा अब लाइट रे इस मिरर पे इंसिडेंट हो गई इमेज बन चुकी है अब लाइट रे वापस जाएगी वापस स्लैब से क्रॉस करेगी वापस स्लैब से क्रॉस करेगी तो वापस क्या होगा ये अब स्लैब के लिए ऑब्जेक्ट ये बन जाएगा अब वापस इसी डायरेक्शन में शिफ्टिंग हो जाएगी इसी डायरेक्शन शिफ्टिंग का मतलब इमेज फाइनली यहां पे बन जाएगी इस तरफ वापस और शिफ्टिंग होगी और शिफ्टिंग का मतलब ये भी ट्वेंटी कोई फर्क नहीं आने वाला तो वापस जब लाइट रे स्लैब को क्रॉस करके जब आई पे इंसिडेंट होगी इस आई पे इंसिडेंट होगी तो अगेन ट्वेंटी बाई थ्री की शिफ्टिंग इसी डायरेक्शन में हो जाएगी तो ये हंड्रेड बाई थ्री ट्वेंटी बाई थ्री तो एट्टी बाई थ्री डिस्टेंस इज एटी बाई थ्री डिस्टेंस एटी बाई थ्री आ जाएगी ठीक है अब ये इमेज फाइनली जो है वो इस ऑब्जर्वर को दिखेगी अब बताओ कि कि बताओ कि डिस्टेंस कितनी होगी से तो ये 80 3 और ये 80 और 40 था वन ट्वेंटी प्लस एटी मतलब टू हंड्रेड टू हंड्रेड बाई थ्री इज द राइट आंसर तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तो थोड़ा सा इसमें टाइम लिया हल्का सा लेकिन ये आ, इस टाइप के क्वेश्चन जो है जनरली नीट में नहीं आते हैं ठीक है आ, लेकिन जेई मेंस के लिए डेफिनेटली आपको इसमें एक्टिव रहना पड़ेगा ठीक है सजग so, रहना पड़ेगा तो ये चीज जेई मेंस में जरूर पूछी जा सकती है तो उसके लिए आप जरूर ध्यान रखें ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू वाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फोर ए फोर्टी फाइव डिग्री राइट एंगल प्रिज्म विच इज़ यूज टू टर्न ए बीम ऑफ लाइट बाई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू ए राइट एंगल ठीक है ये क्वेश्चन नीट के पोर्शन से देखा जाए तो थोड़ा अलग है ठीक है जेम इन्स के प्रस्पेक्टिव से देखें तो ठीक है क्वेश्चन तो एक चीज मैं बताऊँ वो फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखना है ठीक है डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे अपन जैसे ये प्रिज्म है आपके पास राइट और ये प्रिज्म एंगल है ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू है ठीक है अगर लाइट रे इस प्रिज्म पर किसी एंगल से इंसिडेंट हो रही है आई से आई की कोई भी वैल्यू ले, लेकिन लाइट रे जो है ना इस सरफेस को क्रॉस करके कभी नहीं जा सकती वापस आ जाए मतलब टी आई आर हो जाए इसको क्रॉस ना करे तो उसके लिए म्यू की जो वैल्यू है म्यू की वैल्यू इसको बोलते हैं कंडीशन फॉर नो एमरजेंस मतलब लाइट किसी भी हालत में बाहर ना जा सके तो म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन वन अपॉन साइन ए होती है ए इज द प्रिज्म एंगल करेक्ट ये चीज आप ध्यान रखें बेस्ट रहेगा आपके लिए बढ़िया रहेगा

इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा सेकेंड आ जाएगा तो ये ये जो चीज है ये आप फॉर्मूला के बेसिस पर आप याद रखें कंडीशन फॉर नो एमरजेंस म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन अपॉन साइन ए ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें टू प्लेनो कॉनकेव लेंसेज ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन हैव रेडाई ऑफ कर्वेचर ऑफ ट्वेंटी एंड थर्टी सेंटीमीटर दे आर प्लेस इन कॉन्टेक्ट विद सर्फेस टूवर्ड्स इच अदर एंड द स्पेस बिटवीन दैम इज फिल्ड विदिक्विड द फोकल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ठीक है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ जा चुके हैं बेटा तो इस पार्ट को जरूर आप अच्छे से समझें यहाँ पर देखिए टू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऐसे रखा हुआ है और एक ऐसे रखा हुआ है देखो रख दिया और इनका जो बीच का जो मीडियम है ना बीच का जो पार्ट है उसको आपने जो है वो एक लिक्विड से फिल कर दिया देखो और इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप भी आपको दे रखा है ठीक है ये दोनों ओहो मैंने यहां पे प्लेनो कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस ले लिया ओके प्लेनो कॉनकेव लेंस है ठीक है प्लेनो कॉनकेव लेंस है तो मतलब लेंस ऐसे हैं ये प्लेनो कॉनकेव लेंस है ये वाला प्लेनो कॉनकेव लेंस है देखो ठीक है ओके इनका रिफ्रैक्टिव डेक्स आपको दे रखा है 1.5 है इसका भी सेम है और रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो ध्यान से देखना आ, एक का 20 है और इस वाले का 30 है इसमें थोड़ा फर्क है म्यू दोनों का सेम है और बीच का जो मीडियम नजर आ रहा है आपको ये वाला ये वाला मीडियम चलो ये वाला मीडियम जो है वो आपने एक लिक्विड से फिल कर दिया है और लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टेंट फोर बाई थ्री मतलब ही है इसका तो इसमें तीन लेंस बन दो तो कॉनकेव है और कॉन्वेक्स बन गया और इन तीनों कंबाइन कर दिया तो कॉम्बिनेशन की एफ कैलकुलेट करना है आपके सामने ऑप्शंस भी पर तो हम इंडिविजुअली सबकी फोकल लेंथ पहले फाइंड आउट करते हैं एंड देन इसको सॉल्व करेंगे ठीक है सबसे पहला लेंस आ गया नंबर वन इसकी फोकल लेंथ के लिए क्या लगाओगे फॉर्मुला वन अपॉन एफ वन इज इक्वल टू और ध्यान रखना इन तीनों को सेपरेट कर दो एयर के अंदर इसको अलग कर दो इस लेंस को भी अलग कर दो इस लेंस को भी अलग कर दो एयर के अंदर आई रिपीट एयर के अंदर तो सराउंडिंग जो है न, वो ना वो रिफेक्ट वन ही लेना आपको तो F1 सबसे पहला लेंस लेंस है कॉनकेव इसका म्यू कितना है माइनस वन वन अपॉन आर वन इन्फिनिटी और वन अपॉइंट आर टू देखा जाए तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ जाएगा ठीक है तो इन्फिनिटी जीरो एंड और की वैल्यू कितनी है ट्वेंटी सेंटीमीटर की इसकी वैल्यू कितनी है देखिए वन पॉइंट फाइव माइनस वन आ जाएगा पॉइंट फाइव और यह आ जाएगा माइनस का वन बाई ट्वेंटी इसको थोड़ा सिंपल कर लें अपन सिंपल करें तो ये वैल्यू कितनी है? आ जाएगी पॉइंट हटा दें तो टू हंड्रेड किया जाएगा माइनस का वन पॉइंट फोर्टी तो माइनस का वन पॉइंट फोर्टी आ गया वन पॉइंट एफ वन अब मैं इसको भी निकाल लूं कैलकुलेट कर लेते हैं ये भी कौन के लेंस है इसको एफ थ्री लिख देते हैं वन पॉइंट एफ थ्री इज इक्वल टू इसका भी वन पॉइंट फाइव ही है वन पॉइंट फाइव माइनस वन पॉइंट फाइव आएगा और इसमें रेडियस कितना 30 थर्टी है तो डायरेक्टली कर दो आप माइनस का नीचे थर्टी आ गया ठीक है कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं इतनी इसमें भी देख लो ये जीरो ले चले जाओ और सिक्स तो माइनस का वन पॉइंट सिक्सटी आ गया ये भी ठीक हो गया अब बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की, जो बीच में बन रहा है ना लेंस, उसकी फोकल निकालनी। निकालनीम बाई वन माइनस वन फोर बाई थ्री माइनस वन कितना हो जाएगा ट्वेंटी देखो तो इधर जाओगे तो प्लस का ट्वेंटी इस तरफ सेंटर है माइनस वन अपॉन इसका आर टू नेगेटिव उस तरफ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन बाय थर्टी ठीक है तो यहां से आपके पास वैल्यू कितनी है देखो वन अपॉन एफ टू इज इक्वल टू यह आ जाएगा सिक्सटी एलसीएम ऊपर कितना आएगा फाइव आ जाएगा आई थिंक है ना तो फाइव आ गया तो ये इससे कट कर दो बारह आ गया वन अपॉन आ गया तो ये वन अपॉन है ये वन अपॉन सिक्सटी माइनस का वन अपॉन फोर्टी है ठीक है अब ये तीनों लेंस को आपने कंबाइन कर दिया तो, इफेक्टिव फोकल लेंथ के लिए क्या लिखोगे आप फॉर्मुला वन अपॉन एफ इज इक्ल वन अपॉन एफ एन प्लस वन अपॉन एफ टू प्लस वन अपॉन एफ थ्री सो अन पॉइंट एफ इज माइनस वन अपॉन फोर्टी वन एफ टू इज या पहले वन अपॉइन एफ थ्री को ले लो माइनस वन अपॉन फिर प्लस का वन अपॉइंट थर्टी सिक्स ये थर्टी सिक्स आ गया ठीक है ठीक है तो अब आपको इसमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा या इसको दोनों को सॉर्ट आउट कर अपन पहले ही तो यहाँ से इन दोनों को सॉर्ट आउट करें तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इनको सिंपली करें तो 120 आ जाएगा एलसीएम इसका और यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 100 आ जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा आई थिंक ठीक है तो ये थ्री आ जाएगा ये नहीं 120 है तो ये थ्री एंड ये टू थ्री एंड टू फाइव आएगा यहाँ पर ये फाइव आ जाएगा ठीक है एंड प्लस में वन अपॉन थर्टी सिक्स तो इसको सॉल्व कर लें तो ये कितना आया ट्वेंटी फोर राइट तो माइनस का वन वन बाई ट्वेंटी फोर आ गया बस कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं है तो अब ट्वेंटी फोर और थर्टी सिक्स है तो इसका एलसीएम साइज बेहतर आ जाएगा सेवेंटी टू ठीक है और यह माइनस का आ, आ, वन आ चुका है यहां पर माइनस का वन अपॉइंट ट्वेंटी फोर राइट तो ट्वेंटी फोर 72 है तो आई थिंक ये आ जाएगा थ्री माइनस का थ्री और ये प्लस माइनस थ्री प्लस टू मतलब माइनस का वन बाई सेवेंटी टू सो एफ इज इक्वल टू माइनस सेवेंटी टू सेंटीमीटर तो फोकल लेंथ जो सेवेंटी टू सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा बाकी कैलकुलेशन है छोटी मोटी इनको आप आराम से कर सकते हो ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं दो लेंस ले लिए उनके बीच का जो मीडियम है उसको उसमें आपने कुछ अलग लिक्विड फिल कर दिया तो बताइए इस असेंबली का फोकल लेंथ कितना हो जाएगा इफेक्टिव फोकल लेंथ कितना होगा राइट वन अपॉइंट एफ वन प्लस एफ टू प्लस वन अपॉइंट एफ थ्री फिर तीनों को फाइन कर लीजिए ध्यान रखना तीनों को सेपरेट कर दो एयर के अंदर तो सराउंडिंग का जो है ना वो वन ले लेना ठीक है क्योंकि बाहर का जो मीडियम है वो तो वन ही है ना एयर है तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते है। तो तो प्लेनो लेंस है कर्वेचर आर ये कह रहा है कि एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और आपने इसकी को सिल्वर कर दिया तो ये एक इफेक्टिव मिरर की तरह बिहेव करेगा मैंने ऑलरेडी आपको बताया था इसका रिफेक्टेक्स म्यू है ये रेडियस तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको कैसे तो एक तो इसमें लेंस है ये देखो। इसका कर्वेचर आर है रिफेक्ट इंडेक्स म्यू है इस लेंस की लेंथ कितनी आएगी तो Fl, वन अपॉन एफ एल बराबर म्यूराउंड वन अपॉन आर वन ये इन्फिनिटी है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बाय आर आ जाएगा तो वन अपन एफ एल की वैल्यू म्यू माइनस वन बाईर आ जाएगी अब मिरर की बात कर ले मिरर ये वाला है कैसा मिरर है uh, कौनके मिरर है और कोनके मिरर की जो फोकल है यहाँ से एफ एम बराबर कितनी आ जाएगी आर बाई टू आ जाएगी लेकिन माइनस का आर बाई टू क्योंकि कोनके मीर तो फोकल फोकलेंथ ने नेगेटिव रखनी है अब ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे रख दीजिए आप तो देखिए वन अपॉन एफ इज इक्वल टू कितना है देखो ये वन अपॉन एफ एम एफ एम की वैल्यू माइनस आर बाई टू है तो ये माइनस का टू बाय आर आ जाएगा माइनस टू बाई एफ एल अब एफ की वैल्यू रख दो एफ की वैल्यू म्यू माइनस वन सॉरी आर अपॉन में म्यू माइनस वन है ठीक है तो टू अपॉन में एफ एल एफ एल आ जाएगा आर अपॉन में म्यू माइनस वन तो म्यू माइनस वन ऊपर रख दो आप ठीक है मैंने एकदम प्रॉपरली सही तरीके से किया है इसमें तो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा आपके पास आर एल माइनस का टू जो है चाहो तो आप इसको बाहर लिख दो ठीक है नहीं तो टू रख दो बाहर कोई दिक्कत नहीं है ठीक है यह माइनस का टू रख दो बाहर तो यहां पे वन बचेगा ठीक है ये प्लस में है ये भी टू में बाहर ले चुका हूं म्यू माइनस वन वन से वन कैंसिल आउट हो गया तो माइनस का टू म्यू बाई आर आ गया तो एफ इज इक्लो टू कितना यहां आर अपन में माइनस का टू म्यू आर अपन में माइनस का टू म्यू तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट है तो एफ इज इक्लो टू माइनस आर बाय टू म्यू अगेन ये वाला फॉर्मूला जो है कोई ज्यादा हाईफाई नहीं है आप इसको याद रख सकते हो बेटा ठीक है सिंपल सा है सिल्वर लेंस के लिए फॉर्मूला अपन लगाते हैं तो ये आप ध्यान रखें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं

येलो के लिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स माइनस वन ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के लिए ठीक है ये वैल्यूज हैं तो हमें यहां पर वॉयलेट के लिए दे रखा ये रख दो माइनस रेड के लिए दे रखा वन पॉइंट सिक्स फोर फोर दे दिया लेकिन येलो के लिए नहीं दे रखा अब येलो के लिए अगर आपको फाइंड आउट करना है ठीक है अगर दे रखा है तो अच्छी बात है नहीं दे रखा हो तो ये ध्यान रखना ट और रेड का जो रिफ्रैक्टिव रिफेक्टेक्स है उनका सम करके टू से डिवाइड कर दो मतलब मीन वैल्यू ले लो आप तो मीन वैल्यू अगर आप यहां रखोगे तो आपके पास येलो के लिए आ जाएगी वैल्यू तो आप ये बाई टू कर दो एंड माइनस में वन है ना माइनस में वन अब इसमें कुछ नहीं बचा केवल कैलकुलेशन है केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें तो ओमेगा की वैल्यू निकालनी है तो वन पॉइंट सिक्स सिक्स फोर माइनस वन पॉइंट सिक्स फोर फोर डिफरेंस uh, ले लो फिर मीन वैल्यू निकाल लो माइनस वन केवल डिवीजन uh, करना है सब्ट्रैक्शन करना है और आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी बेटा और बाकी कॉन्सेप्ट यही है म्यू वी माइनस म्यू आर अपन में म्यू वाई माइनस वन और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन का आपको मैच कर जाएगा ठीक है तो ये थे आपके रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन और इस पार्ट के अंदर जितने भी फॉर्मूलाज थे जो मेन मेन जो फॉर्मूलाज थे सारे ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूलाज कवर कर लिए गए हैं अगर आप uh, इस सेशन को है ना इस लेक्चर को अगर आप देखेंगे तो आई थिंक पूरा टॉपिक आपका कंप्लीटली कवर हो जाएगा रिवाइज़ हो जाएगा सारे फॉर्मूलाज आपको ध्यान में आ जाएंगे किस तरीके से लगाना है कैसे अप्लाई करना है साइन कन्वेंशन किस वे से लगाना है वो भी आपका पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ठीक है और बाकी जिन क्वेश्चन जो क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड थे नीट के परस्पेक्टिव से उन क्वेश्चन पे मैंने ज़्यादा जोर दिया था ज़्यादा फोकस किया था उन क्वेश्चन को या उस टाइप के कॉन्सेप्ट को मतलब क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए उससे बाहर नीट एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाने वाला है ठीक है तो ऑल द बेस्ट थैंक यू